वरुण धवन और श्रद्धा कपूर की फिल्म एबीसीडी 2 देखने से पहले यह जाने फिल्म की कहानी, फिल्म का रिव्यू और जाने कहां देखे इस फिल्म को फ्री में। निर्देशक रेमो डिसूजा, कलाकार प्रभुदेवा, वरुण धवन, श्रद्धा कपूर, लॉरेन गोटली वगैरह नृत्य जो आजकल डांस के नाम से अधिक जाना जाता है पसंद करते हैं और 3D तकनीक के भी मुरीद है तो एबीसीडी 2 आपको एक धमाकेदार फिल्म लगेगी। हिंदी में समकालीन डांस को लेकर कम ही फिल्में बनी है और एबीसीडी कड़ी की पहली फिल्म आने के बाद इस तरह की फिल्मों को लेकर उत्साह बना है। हालांकि इसकी एक और बड़ी वजह टीवी चैनलों पर आने वाले डांस की रियलिटी शो भी है। आकस्मिक नहीं कि एबीसीडी 2 की शुरुआत भी एक डांस रियलिटी शो से ही होती है। इस शो में भाग लेने वाली टीम मुंबई स्टनर की वो बाहर का रास्ता दिखाया दिया जाता है। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक विदेशी डांस शो की कोरियोग्राफी चोरी की। इसके बाद तो मुंबई स्टनर के प्रमुख डांसर सुरेश और विनी को गहरा मानसिक आघात लगता है, लेकिन शुरू यानी सुरेश हिम्मत नहीं हारता। आखिर वो क्यों हारे? उसे कपिल शर्मा की कॉमेडी शो के नवजोत सिंह सिंधु से गुरु मंत्र जो मिला है कि उसे अपना विश्वास नहीं खोना है। सो सिद्धू बाबा की वाणी से प्रेरणा लेकर शुरू और बीनी अपनी इज्जत बचाने के लिए लॉस वेगस में होने वाले डांस शो में भाग लेना चाहते हैं। उन्हें मदद मिलती है विष्णु सर से। ये लॉस वेगस पहुंचते तो है, लेकिन वहां विष्णु सर का अपना एजेंडा है। ये अचानक गायब हो जाते हैं। उसके बाद हादसे में विनी को चोट लग जाती है। ऐसे में क्या सुरु और विनी की टीम अपना सपना पूरा कर पाएगी? समझ लीजिए कि कुछ कुछ चक दी इंडिया वाली स्थिति है। जहां तक डांस और कोरियोग्राफी का सवाल है, ये एक जबरदस्त फिल्म है और 3D तकनीक की वजह से इसमें एक चमत्कार भी आ गया है। इस लिहाज से ये इस कड़ी की पहली फिल्म एबीसीडी से कई गुना आगे की है। ना सिर्फ प्रभुदेवा बल्कि वरुण और श्रद्धा के डांस वाले दृश्य गजब की है। वैसे ये फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित है। मुंबई के नाला सोपारा की फिक्सर्स डांसर कंपनी के लॉस वेगस के डांस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। निर्देशक रेमो डिसूजा ने कहा भी है कि उन्होंने मूल घटना में ज्यादा फेर बदल नहीं किया है। उस डांस ग्रुप के एक प्रमुख सदस्य का नाम भी सुरेश है, जिसका किरदार वरुण धवन ने निभाया है। एबीसीडी 2 एक अलग तरह की प्रेरणादायी फिल्म है।
अलग तरह की, इसलिए कि इसका अंत थोड़ा अप्रत्याशित है। वरुण धवन ने शायद इसी फिल्म के लिए 6-pack abs बना लिए हैं, जो शायद दूसरी फिल्म में भी काम आएंगे। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी इस फिल्म में है जो खटकती है। एक तो वरुण और श्रद्धा के बीच वाला रोमांटिक पहलू अब विकसित रह गया, जिसकी पूरी संभावना थी। हो सकता है कि निर्देशक ने जानबूझकर ऐसा किया हो, ताकि डांस वाला पहलू पीछे ना छूट जाए। अगर इस रोमांटिक पहलू पर अधिक ध्यान दिया जाता तो फिल्म ज्यादा जज्बाती होती। तीसरी ये कि फिल्म के संवाद भी वजनदार नहीं है, इस पर अधिक काम करने की जरूरत थी। फिर भी ये फिल्म युवा वर्ग में लोकप्रिय होगी और डांस केंद्रित फिल्मों में अपनी खास जगह बनाएंगी। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी भी शानदार है और लास वेगास के कई दृश्य मन को लुभाने वाले हैं। प्रभुदेवा अपने चेहरे पर भावनाओं की विविधता नहीं ला पाते, लेकिन उनका दक्षिण भारतीय लहजा और डांस धमाका करने वाला है। फिल्म में कई अच्छे मजाकिया दृश्य है। रेमो का अपना एक खास तरह का सेंस ऑफ ह्यूमर है, जो प्रभुदेवा वाले दृश्य में बखूबी उभरता है। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। वरुण धवन और श्रद्धा कपूर की फिल्म ABCD2 देखने से पहले यह जाने फिल्म की कहानी, फिल्म का रिव्यू और जाने कहां देखें इस फिल्म को फ्री में। निर्देशक रेमो डिसूजा, कलाकार प्रभुदेवा, वरुण धवन, श्रद्धा कपूर, लॉरेन गोटली वगैरह नृत्य, जो आजकल डांस के नाम से अधिक जाना जाता है, पसंद करते हैं और 3D तकनीक के भी मुरीद है, तो ABCD2 आपको एक धमाकेदार फिल्म लगेगी। हिंदी में समकालीन डांस को लेकर कम ही फिल्में बनी है और ABCD कड़ी की पहली फिल्म आने के बाद इस तरह की फिल्मों को लेकर उत्साह बना है। हालांकि इसकी एक और बड़ी वजह टीवी चैनलों पर आने वाले डांस की रियलिटी शो भी है। आकस्मिक नहीं कि ABCD2 की शुरुआत भी एक डांस रियलिटी शो से ही होती है। इस शो में भाग लेने वाली टीम मुंबई स्टनर की वो बाहर का रास्ता दिखाया दिया जाता है। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक विदेशी डांस शो की कोरियोग्राफी चोरी की। इसके बाद तो मुंबई स्टनर के प्रमुख डांसर सुरेश और विनी को गहरा मानसिक आघात लगता है, लेकिन सुरु यानी सुरेश हिम्मत नहीं हारता। आखिर वो क्यों हारे? उसे कपिल शर्मा के कॉमेडी शो के नवजोत सिंह सिंधु से गुरु मंत्र जो मिला है कि उसे अपना विश्वास नहीं खोना है। सो सिद्धू बाबा की वाणी से प्रेरणा लेकर सुरु और बीनी अपनी इज्जत बचाने के लिए लॉस वेगास में होने वाले डांस शो में भाग लेना चाहते हैं। उन्हें मदद मिलती है विष्णु सर से। ये लॉस वेगास पहुंचते तो है, लेकिन वहां विष्णु सर का अपना एजेंडा है। ये अचानक गायब हो जाते हैं। उसके बाद हादसे में विनी को चोट लग जाती है। ऐसे में क्या सुरु और विनी की टीम अपना सपना पूरा कर पाएगी? समझ लीजिए कि कुछ कुछ चक दी इंडिया वाली स्थिति है। जहां तक डांस और कोरियोग्राफी का सवाल है, ये एक जबरदस्त फिल्म है और 3D तकनीक की वजह से इसमें एक चमत्कार भी आ गया है। इस लिहाज से ये इस कड़ी की पहली फिल्म ABCD से कई गुना आगे की है। ना सिर्फ प्रभुदेवा बल्कि वरुण और श्रद्धा के डांस वाले दृश्य गजब की है। वैसे ये फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित है। मुंबई के नाला सोपारा की फिक्सर्स डांसर कंपनी के लॉस वेगास के डांस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। निर्देशक रेमो डिसूजा ने कहा भी है कि उन्होंने मूल घटना में ज्यादा फेर बदल नहीं किया है। उस डांस ग्रुप के एक प्रमुख सदस्य का नाम भी सुरेश है, जिसका किरदार वरुण धवन ने निभाया है। ABCD2 एक अलग तरह की प्रेरणादायी फिल्म है। अलग तरह की इसलिए कि इसका अंत थोड़ा अप्रत्याशित है। वरुण धवन ने शायद इसी फिल्म के लिए 6-pack abs बना लिए हैं, जो शायद दूसरी फिल्म में भी काम आएंगे। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी इस फिल्म में है जो खटकती है। एक तो वरुण और श्रद्धा के बीच वाला रोमांटिक पहलू अब विकसित रह गया, जिसकी पूरी संभावना थी। हो सकता है कि निर्देशक ने जानबूझकर ऐसा किया हो, ताकि डांस वाला पहलू पीछे ना छूट जाए। अगर इस रोमांटिक पहलू पर अधिक ध्यान दिया जाता तो फिल्म ज्यादा जज्बाती होती। तीसरी ये कि फिल्म के संवाद भी वजनदार नहीं है, इस पर अधिक काम करने की जरूरत थी। फिर भी ये फिल्म युवा वर्ग में लोकप्रिय होगी और डांस केंद्रित फिल्मों में अपनी खास जगह बनाएंगी।
फिल्म की सिनेमाटोग्राफी भी शानदार है और लास वेगस के कई दृश्य मन को लुभाने वाले हैं। प्रभुदेवा अपने चेहरे पर भावनाओं की विविधता नहीं ला पाते, लेकिन उनका दक्षिण भारतीय लहजा और डांस धमाका करने वाला है। फिल्म में कई अच्छे मजाकिया दृश्य है। रेमो का अपना एक खास तरह का सेंस ऑफ ह्यूमर है जो प्रभुदेवा वाले दृश्य में बखूबी उभरता है। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। वरुण धवन और श्रद्धा कपूर की फिल्म एबीसीडी 2 देखने से पहले यह जाने फिल्म की कहानी, फिल्म का रिव्यू और जाने कहा देखे इस फिल्म को फ्री में। निर्देशक रेमो डिसूजा, कलाकार प्रभुदेवा, वरुण धवन, श्रद्धा कपूर, लॉरेन गोटली वगैरह नृत्य जो आजकल डांस के नाम से अधिक जाना जाता है पसंद करते हैं और 3D तकनीक के भी मुरीद है, तो एबीसीडी 2 आपको एक धमाकेदार फिल्म लगेगी। हिंदी में समकालीन डांस को लेकर कम ही फिल्में बनी है और एबीसीडी कड़ी की पहली फिल्म आने के बाद इस तरह की फिल्मों को लेकर उत्साह बना है। हालांकि इसकी एक और बड़ी वजह टीवी चैनलों पर आने वाले डांस की रियलिटी शो भी है। आकस्मिक नहीं कि एबीसीडी 2 की शुरुआत भी एक डांस रियलिटी शो से ही होती है। इस शो में भाग लेने वाली टीम मुंबई स्टनर की वो बाहर का रास्ता दिखाया दिया जाता है। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक विदेशी डांस शो की कोरियोग्राफी चोरी की। इसके बाद तो मुंबई स्टनर के प्रमुख डांसर सुरेश और विनी को गहरा मानसिक आघात लगता है, लेकिन शुरू यानी सुरेश हिम्मत नहीं हारता। आखिर वो क्यों हारे? उसे कपिल शर्मा के कॉमेडी शो के नवजोत सिंह सिंधु से गुरु मंत्र जो मिला है कि उसे अपना विश्वास नहीं खोना है। सो सिद्धू बाबा की वाणी से प्रेरणा लेकर शुरू और बीनी अपनी इज्जत बचाने के लिए लॉस वेगस में होने वाले डांस शो में भाग लेना चाहते हैं। उन्हें मदद मिलती है विष्णु सर से। ये लॉस वेगस पहुंचते तो है, लेकिन वहां विष्णु सर का अपना एजेंडा है। ये अचानक गायब हो जाते हैं। उसके बाद हादसे में विनी को चोट लग जाती है। ऐसे में क्या सुरु और विनी की टीम अपना सपना पूरा कर पाएगी? समझ लीजिए कि कुछ कुछ चक दी इंडिया वाली स्थिति है। जहां तक डांस और कोरियोग्राफी का सवाल है, ये एक जबरदस्त फिल्म है और 3D तकनीक की वजह से इसमें एक चमत्कार भी आ गया है। इस लिहाज से ये इस कड़ी की पहली फिल्म एबीसीडी से कई गुना आगे की है। ना सिर्फ प्रभुदेवा बल्कि वरुण और श्रद्धा के डांस वाले दृश्य गजब की है। वैसे ये फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित है। मुंबई के नाला सोपारा की फिक्सर्स डांसर कंपनी के लॉस वेगस के डांस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। निर्देशक रेमो डिसूजा ने कहा भी है कि उन्होंने मूल घटना में ज्यादा फेर बदल नहीं किया है। उस डांस ग्रुप के एक प्रमुख सदस्य का नाम भी सुरेश है, जिसका किरदार वरुण धवन ने निभाया है। एबीसीडी 2 एक अलग तरह की प्रेरणादायी फिल्म है। अलग तरह की इसलिए कि इसका अंत थोड़ा अप्रत्याशित है। वरुण धवन ने शायद इसी फिल्म के लिए 6-pack abs बना लिए हैं, जो शायद दूसरी फिल्म में भी काम आएंगे। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी इस फिल्म में है जो खटकती है। एक तो वरुण और श्रद्धा के बीच वाला रोमांटिक पहलू अविकसित रह गया, जिसकी पूरी संभावना थी। हो सकता है कि निर्देशक ने जानबूझकर ऐसा किया हो ताकि डांस वाला पहलू पीछे ना छूट जाए। अगर इस रोमांटिक पहलू पर अधिक ध्यान दिया जाता तो फिल्म ज्यादा जज्बाती होती। तीसरी ये कि फिल्म के संवाद भी वजनदार नहीं है, इस पर अधिक काम करने की जरूरत थी। फिर भी ये फिल्म युवा वर्ग में लोकप्रिय होगी और डांस केंद्रित फिल्मों में अपनी खास जगह बनाएंगी। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी भी शानदार है और लॉस वेगस के कई दृश्य मन को लुभाने वाले हैं। प्रभुदेवा अपने चेहरे पर भावनाओं की विविधता नहीं ला पाते, लेकिन उनका दक्षिण भारतीय लहजा और डांस धमाका करने वाला है। फिल्म में कई अच्छे मजाकिया दृश्य है। रेमो का अपना एक खास तरह का सेंस ऑफ ह्यूमर है जो प्रभुदेवा वाले दृश्य में बखूबी उभरता है। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। वरुण धवन और श्रद्धा कपूर की फिल्म एबीसीडी 2 देखने से पहले यह जाने फिल्म की कहानी, फिल्म का रिव्यू और
जाने कहा देखे इस फिल्म को फ्री में। निर्देशक रेमो डिसूजा, कलाकार प्रभुदेवा, वरुण धवन, श्रद्धा कपूर, लॉरेन गोटली वगैरह नृत्य जो आजकल डांस के नाम से अधिक जाना जाता है पसंद करते हैं और 3D तकनीक के भी मुरीद है तो ABCD 2 आपको एक धमाकेदार फिल्म लगेगी। हिंदी में समकालीन डांस को लेकर कम ही फिल्में बनी है और ABCD कड़ी की पहली फिल्म आने के बाद इस तरह की फिल्मों को लेकर उत्साह बना है। हालांकि इसकी एक और बड़ी वजह टीवी चैनलों पर आने वाले डांस की रियलिटी शो भी है। आकस्मिक नहीं कि ABCD 2 की शुरुआत भी एक डांस रियलिटी शो से ही होती है। इस शो में भाग लेने वाली टीम मुंबई स्टनर की वो बाहर का रास्ता दिखाया दिया जाता है। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक विदेशी डांस शो की कोरियोग्राफी चोरी की। इसके बाद तो मुंबई स्टनर के प्रमुख डांसर सुरेश और विनी को गहरा मानसिक आघात लगता है, लेकिन शुरू यानी सुरेश हिम्मत नहीं हारता। आखिर वो क्यों हारे? उसे कपिल शर्मा की कॉमेडी शो के नवजोत सिंह सिंधु से गुरु मंत्र जो मिला है कि उसे अपना विश्वास नहीं खोना है। सो सिद्धू बाबा की वाणी से प्रेरणा लेकर शुरू और बीनी अपनी इज्जत बचाने के लिए लॉस वेगस में होने वाले डांस शो में भाग लेना चाहते हैं। उन्हें मदद मिलती है विष्णु सर से। ये लॉस वेगस पहुंचते तो है लेकिन वहां विष्णु सर का अपना एजेंडा है। ये अचानक गायब हो जाते हैं। उसके बाद हादसे में विनी को चोट लग जाती है। ऐसे में क्या सुरु और विनी की टीम अपना सपना पूरा कर पाएगी? समझ लीजिए कि कुछ कुछ चक दी इंडिया वाली स्थिति है। जहां तक डांस और कोरियोग्राफी का सवाल है, ये एक जबरदस्त फिल्म है और 3D तकनीक की वजह से इसमें एक चमत्कार भी आ गया है। इस लिहाज से ये इस कड़ी की पहली फिल्म ABCD से कई गुना आगे की है। ना सिर्फ प्रभुदेवा बल्कि वरुण और श्रद्धा के डांस वाले दृश्य गजब की है। वैसे ये फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित है। मुंबई के नाला सोपारा की फिक्सर्स डांसर कंपनी के लॉस वेगस के डांस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। निर्देशक रेमो डिसूजा ने कहा भी है कि उन्होंने मूल घटना में ज्यादा फेर बदल नहीं किया है। उस डांस ग्रुप के एक प्रमुख सदस्य का नाम भी सुरेश है जिसका किरदार वरुण धवन ने निभाया है। ABCD 2 एक अलग तरह की प्रेरणादायी फिल्म है। अलग तरह की इसलिए कि इसका अंत थोड़ा अप्रत्याशित है। वरुण धवन ने शायद इसी फिल्म के लिए 6-pack abs बना लिए हैं जो शायद दूसरी फिल्म में भी काम आएंगे, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी इस फिल्म में है जो खटकती है। एक तो वरुण और श्रद्धा के बीच वाला रोमांटिक पहलू अविकसित रह गया जिसकी पूरी संभावना थी। हो सकता है कि निर्देशक ने जानबूझकर ऐसा किया हो ताकि डांस वाला पहलू पीछे ना छूट जाए। अगर इस रोमांटिक पहलू पर अधिक ध्यान दिया जाता तो फिल्म ज्यादा जज्बाती होती। तीसरी ये कि फिल्म के संवाद भी वजनदार नहीं है, इस पर अधिक काम करने की जरूरत थी। फिर भी ये फिल्म युवा वर्ग में लोकप्रिय होगी और डांस केंद्रित फिल्मों में अपनी खास जगह बनाएंगी। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी भी शानदार है और लॉस वेगस के कई दृश्य मन को लुभाने वाले हैं। प्रभुदेवा अपने चेहरे पर भावनाओं की विविधता नहीं ला पाते, लेकिन उनका दक्षिण भारतीय लहजा और डांस धमाका करने वाला है। फिल्म में कई अच्छे मजाकिया दृश्य है। रेमो का अपना एक खास तरह का सेंस ऑफ ह्यूमर है जो प्रभुदेवा वाले दृश्य में बखूबी उभरता है। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। वरुण धवन और श्रद्धा कपूर की फिल्म ABCD 2 देखने से पहले यह जाने फिल्म की कहानी, फिल्म का रिव्यू और जाने कहा देखे इस फिल्म को फ्री में। निर्देशक रेमो डिसूजा, कलाकार प्रभुदेवा, वरुण धवन, श्रद्धा कपूर, लॉरेन गोटली वगैरह नृत्य जो आजकल डांस के नाम से अधिक जाना जाता है पसंद करते हैं और 3D तकनीक के भी मुरीद है तो ABCD 2 आपको एक धमाकेदार फिल्म लगेगी। हिंदी में समकालीन डांस को लेकर कम ही फिल्में बनी है और ABCD कड़ी की पहली फिल्म आने के बाद इस तरह की फिल्मों को लेकर उत्साह बना है। हालांकि इसकी एक और बड़ी वजह टीवी चैनलों पर आने वाले डांस की रियलिटी शो भी है। आकस्मिक नहीं कि ABCD 2 की शुरुआत भी एक डांस रियलिटी शो से ही होती है। इस शो में भाग लेने वाली टीम मुंबई स्टनर की
वो बाहर का रास्ता दिखाया दिया जाता है। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक विदेशी डांस शो की कोरियोग्राफी चोरी की। इसके बाद तो मुंबई स्टैनर के प्रमुख डांसर सुरेश और विनी को गहरा मानसिक आघात लगता है, लेकिन सुरु यानी सुरेश हिम्मत नहीं हारता। आखिर वो क्यों हारे? उसे कपिल शर्मा की कॉमेडी शो के नवजोत सिंह सिंधु से गुरु मंत्र जो मिला है कि उसे अपना विश्वास नहीं खोना है। सो सिद्धू बाबा की वाणी से प्रेरणा लेकर शुरू और बीनी अपनी इज्जत बचाने के लिए लॉस वेगस में होने वाले डांस शो में भाग लेना चाहते हैं। उन्हें मदद मिलती है विष्णु सर से। ये लॉस वेगस पहुंचते तो है, लेकिन वहां विष्णु सर का अपना एजेंडा है। ये अचानक गायब हो जाते हैं। उसके बाद हादसे में विनी को चोट लग जाती है। ऐसे में क्या सुरु और विनी की टीम अपना सपना पूरा कर पाएगी? समझ लीजिए कि कुछ कुछ चक दी इंडिया वाली स्थिति है। जहां तक डांस और कोरियोग्राफी का सवाल है, ये एक जबरदस्त फिल्म है और 3D तकनीक की वजह से इसमें एक चमत्कार भी आ गया है। इस लिहाज से ये इस कड़ी की पहली फिल्म ABCD से कई गुना आगे की है। ना सिर्फ प्रभुदेवा बल्कि वरुण और श्रद्धा के डांस वाले दृश्य गजब की है। वैसे ये फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित है। मुंबई के नाला सोपारा की फिक्सर्स डांसर कंपनी के लॉस वेगस के डांस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। निर्देशक रेमो डिसूजा ने कहा भी है कि उन्होंने मूल घटना में ज्यादा फेर बदल नहीं किया है। उस डांस ग्रुप के एक प्रमुख सदस्य का नाम भी सुरेश है, जिसका किरदार वरुण धवन ने निभाया है। ABCD2 एक अलग तरह की प्रेरणादायी फिल्म है। अलग तरह की इसलिए कि इसका अंत थोड़ा अप्रत्याशित है। वरुण धवन ने शायद इसी फिल्म के लिए 6-pack abs बना लिए है, जो शायद दूसरी फिल्म में भी काम आएंगे। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी इस फिल्म में है जो खटकती है। एक तो वरुण और श्रद्धा के बीच वाला रोमांटिक पहलू अविकसित रह गया, जिसकी पूरी संभावना थी। हो सकता है कि निर्देशक ने जानबूझकर ऐसा किया हो ताकि डांस वाला पहलू पीछे ना छूट जाए। अगर इस रोमांटिक पहलू पर अधिक ध्यान दिया जाता तो फिल्म ज्यादा जज्बाती होती। तीसरी ये कि फिल्म के संवाद भी वजनदार नहीं है, इस पर अधिक काम करने की जरूरत थी। फिर भी ये फिल्म युवा वर्ग में लोकप्रिय होगी और डांस केंद्रित फिल्मों में अपनी खास जगह बनाएंगी। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी भी शानदार है और लॉस वेगस के कई दृश्य मन को लुभाने वाले हैं। प्रभुदेवा अपने चेहरे पर भावनाओं की विविधता नहीं ला पाते, लेकिन उनका दक्षिण भारतीय लहजा और डांस धमाका करने वाला है। फिल्म में कई अच्छे मजाकिया दृश्य है। रेमो का अपना एक खास तरह का सेंस ऑफ ह्यूमर है, जो प्रभुदेवा वाले दृश्य में बखूबी उभरता है। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। वरुण धवन और श्रद्धा कपूर की फिल्म ABCD2 देखने से पहले यह जाने फिल्म की कहानी, फिल्म का रिव्यू और जाने कहा देखे इस फिल्म को फ्री में। निर्देशक रेमो डिसूजा, कलाकार प्रभुदेवा, वरुण धवन, श्रद्धा कपूर, लॉरेन गोटली वगैरह नृत्य जो आजकल डांस के नाम से अधिक जाना जाता है पसंद करते हैं और 3D तकनीक के भी मुरीद है, तो ABCD2 आपको एक धमाकेदार फिल्म लगेगी। हिंदी में समकालीन डांस को लेकर कम ही फिल्में बनी है और ABCD कड़ी की पहली फिल्म आने के बाद इस तरह की फिल्मों को लेकर उत्साह बना है। हालांकि इसकी एक और बड़ी वजह टीवी चैनलों पर आने वाले डांस की रियलिटी शो भी है। आकस्मिक नहीं कि ABCD2 की शुरुआत भी एक डांस रियलिटी शो से ही होती है। इस शो में भाग लेने वाली टीम मुंबई स्टनर की वो बाहर का रास्ता दिखाया दिया जाता है। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक विदेशी डांस शो की कोरियोग्राफी चोरी की। इसके बाद तो मुंबई स्टनर के प्रमुख डांसर सुरेश और विनी को गहरा मानसिक आघात लगता है, लेकिन सुरु यानी सुरेश हिम्मत नहीं हारता। आखिर वो क्यों हारे? उसे कपिल शर्मा की कॉमेडी शो के नवजोत सिंह सिंधु से गुरु मंत्र जो मिला है कि उसे अपना विश्वास नहीं खोना है। सो सिद्धू बाबा की वाणी से प्रेरणा लेकर शुरू और बीनी अपनी इज्जत बचाने के लिए लॉस वेगस में होने वाले डांस शो में भाग लेना चाहते हैं। उन्हें मदद मिलती है विष्णु सर से। ये लॉस वेगस पहुंचते तो
तो है लेकिन वह विष्णु सर का अपना एजेंडा है। ये अचानक गायब हो जाते हैं। उसके बाद हादसे में विनी को चोट लग जाती है। ऐसे में क्या सुडो और विनी की टीम अपना सपना पूरा कर पाएगी? समझ लीजिए कि कुछ कुछ चक दी इंडिया वाली स्थिति है। जहां तक डांस और कोरियोग्राफी का सवाल है, ये एक जबरदस्त फिल्म है और 3D तकनीक की वजह से इसमें एक चमत्कार भी आ गया है। इस लिहाज से ये इस कड़ी की पहली फिल्म ABCD से कई गुना आगे की है। ना सिर्फ प्रभु देवा बल्कि वरुण और श्रद्धा के डांस वाले दृश्य गजब की है। वैसे ये फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित है। मुंबई के नाला सोपारा की फिक्सर्स डांसर कंपनी के लॉस वेगस के डांस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। निर्देशक रेमो डिसूजा ने कहा भी है कि उन्होंने मूल घटना में ज्यादा फेर बदल नहीं किया है। उस डांस ग्रुप के एक प्रमुख सदस्य का नाम भी सुरेश है, जिसका किरदार वरुण धवन ने निभाया है। ABCD 2 एक अलग तरह की प्रेरणादायी फिल्म है। अलग तरह की इसलिए कि इसका अंत थोड़ा अप्रत्याशित है। वरुण धवन ने शायद इसी फिल्म के लिए 6-pack abs बना लिए हैं, जो शायद दूसरी फिल्म में भी काम आएंगे। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी इस फिल्म में है जो खटकती है। एक तो वरुण और श्रद्धा के बीच वाला रोमांटिक पहलू अविकसित रह गया, जिसकी पूरी संभावना थी। हो सकता है कि निर्देशक ने जानबूझकर ऐसा किया हो ताकि डांस वाला पहलू पीछे ना छूट जाए। अगर इस रोमांटिक पहलू पर अधिक ध्यान दिया जाता तो फिल्म ज्यादा जज्बाती होती। तीसरी ये कि फिल्म के संवाद भी वजनदार नहीं है, इस पर अधिक काम करने की जरूरत थी। फिर भी ये फिल्म युवा वर्ग में लोकप्रिय होगी और डांस केंद्रित फिल्मों में अपनी खास जगह बनाएंगी। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी भी शानदार है और लॉस वेगस के कई दृश्य मन को लुभाने वाले हैं। प्रभुदेवा अपने चेहरे पर भावनाओं की विविधता नहीं ला पाते, लेकिन उनका दक्षिण भारतीय लहजा और डांस धमाका करने वाला है। फिल्म में कई अच्छे मजाकिया दृश्य है। रेमो का अपना एक खास तरह का सेंस ऑफ ह्यूमर है, जो प्रभुदेवा वाले दृश्य में बखूबी उभरता है। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। वरुण धवन और श्रद्धा कपूर की फिल्म ABCD 2 देखने से पहले यह जाने फिल्म की कहानी, फिल्म का रिव्यू और जाने कहां देखें इस फिल्म को फ्री में। निर्देशक रेमो डिसूजा, कलाकार प्रभुदेवा, वरुण धवन, श्रद्धा कपूर, लॉरेन गोटली वगैरह नृत्य जो आजकल डांस के नाम से अधिक जाना जाता है पसंद करते हैं और 3D तकनीक के भी मुरीद है, तो ABCD 2 आपको एक धमाकेदार फिल्म लगेगी। हिंदी में समकालीन डांस को लेकर कम ही फिल्में बनी है और ABCD कड़ी की पहली फिल्म आने के बाद इस तरह की फिल्मों को लेकर उत्साह बना है। हालांकि इसकी एक और बड़ी वजह TV चैनलों पर आने वाले डांस की रियलिटी शो भी है। आकस्मिक नहीं कि ABCD 2 की शुरुआत भी एक डांस रियलिटी शो से ही होती है। इस शो में भाग लेने वाली टीम मुंबई स्टनर की वो बाहर का रास्ता दिखाया दिया जाता है। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक विदेशी डांस शो की कोरियोग्राफी चोरी की। इसके बाद तो मुंबई स्टनर के प्रमुख डांसर सुरेश और विनी को गहरा मानसिक आघात लगता है, लेकिन सुडू यानी सुरेश हिम्मत नहीं हारता। आखिर वो क्यों हारे? उसे कपिल शर्मा के कॉमेडी शो के नवजोत सिंह सिद्धू से गुरु मंत्र जो मिला है कि उसे अपना विश्वास नहीं खोना है। सो सिद्धू बाबा की वाणी से प्रेरणा लेकर सुडू और बीनी अपनी इज्जत बचाने के लिए लॉस वेगस में होने वाले डांस शो में भाग लेना चाहते हैं। उन्हें मदद मिलती है विष्णु सर से। ये लॉस वेगस पहुंचते तो है लेकिन वह विष्णु सर का अपना एजेंडा है। ये अचानक गायब हो जाते हैं। उसके बाद हादसे में विनी को चोट लग जाती है। ऐसे में क्या सुडू और विनी की टीम अपना सपना पूरा कर पाएगी? समझ लीजिए कि कुछ कुछ चक दी इंडिया वाली स्थिति है। जहां तक डांस और कोरियोग्राफी का सवाल है, ये एक जबरदस्त फिल्म है और 3D तकनीक की वजह से इसमें एक चमत्कार भी आ गया है। इस लिहाज से ये इस कड़ी की पहली फिल्म ABCD से कई गुना आगे की है। ना सिर्फ प्रभु देवा बल्कि वरुण और श्रद्धा के डांस वाले दृश्य गजब की है। वैसे ये फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित है। मुंबई के नाला सोपारा की फिक्सर्स डांसर कंपनी के लॉस वेगस के डांस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था।
निर्देशक रेमो डिसूजा ने कहा भी है कि उन्होंने मूल घटना में ज्यादा फेर बदल नहीं किया है। उस डांस ग्रुप के एक प्रमुख सदस्य का नाम भी सुरेश है, जिसका किरदार वरुण धवन ने निभाया है। एबीसीडी 2 एक अलग तरह की प्रेरणादायी फिल्म है। अलग तरह की इसलिए कि इसका अंत थोड़ा अप्रत्याशित है। वरुण धवन ने शायद इसी फिल्म के लिए 6-pack abs बना लिए हैं, जो शायद दूसरी फिल्म में भी काम आएंगे। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी इस फिल्म में है जो खटकती है। एक तो वरुण और श्रद्धा के बीच वाला रोमांटिक पहलू अविकसित रह गया, जिसकी पूरी संभावना थी। हो सकता है कि निर्देशक ने जानबूझकर ऐसा किया हो ताकि डांस वाला पहलू पीछे ना छूट जाए। अगर इस रोमांटिक पहलू पर अधिक ध्यान दिया जाता तो फिल्म ज्यादा जज्बाती होती। तीसरी ये कि फिल्म के संवाद भी वजनदार नहीं है, इस पर अधिक काम करने की जरूरत थी। फिर भी ये फिल्म युवा वर्ग में लोकप्रिय होगी और डांस केंद्रित फिल्मों में अपनी खास जगह बनाएंगी। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी भी शानदार है और लास वेगस के कई दृश्य मन को लुभाने वाले हैं। प्रभुदेवा अपने चेहरे पर भावनाओं की विविधता नहीं ला पाते, लेकिन उनका दक्षिण भारतीय लहजा और डांस धमाका करने वाला है। फिल्म में कई अच्छे मजाकिया दृश्य है। रेमो का अपना एक खास तरह का सेंस ऑफ ह्यूमर है, जो प्रभुदेवा वाले दृश्य में बखूबी उभरता है। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। वरुण धवन और श्रद्धा कपूर की फिल्म ABCD 2 देखने से पहले यहां जाने फिल्म की कहानी, फिल्म का रिव्यू और जाने कहां देखें इस फिल्म को फ्री में। निर्देशक रेमो डिसूजा, कलाकार प्रभुदेवा, वरुण धवन, श्रद्धा कपूर, लॉरेन गोटली वगैरह नृत्य, जो आजकल डांस के नाम से अधिक जाना जाता है, पसंद करते हैं और 3D तकनीक के भी मुरीद है, तो ABCD 2 आपको एक धमाकेदार फिल्म लगेगी। हिंदी में समकालीन डांस को लेकर कम ही फिल्में बनी है और ABCD कड़ी की पहली फिल्म आने के बाद इस तरह की फिल्मों को लेकर उत्साह बना है। हालांकि इसकी एक और बड़ी वजह टीवी चैनलों पर आने वाले डांस की रियलिटी शो भी है। आकस्मिक नहीं कि ABCD 2 की शुरुआत भी एक डांस रियलिटी शो से ही होती है। इस शो में भाग लेने वाली टीम मुंबई स्टनर की वो बाहर का रास्ता दिखाया दिया जाता है। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक विदेशी डांस शो की कोरियोग्राफी चोरी की। इसके बाद तो मुंबई स्टनर के प्रमुख डांसर सुरेश और विनी को गहरा मानसिक आघात लगता है, लेकिन सुरू यानी सुरेश हिम्मत नहीं हारता। आखिर वो क्यों हारे? उसे कपिल शर्मा के कॉमेडी शो के नवजोत सिंह सिंधु से गुरु मंत्र जो मिला है कि उसे अपना विश्वास नहीं खोना है। सो सिद्धू बाबा की वाणी से प्रेरणा लेकर शुरू और बीनी अपनी इज्जत बचाने के लिए लॉस वेगस में होने वाले डांस शो में भाग लेना चाहते हैं। उन्हें मदद मिलती है विष्णु सर से। ये लॉस वेगस पहुंचते तो है, लेकिन वहां विष्णु सर का अपना एजेंडा है। ये अचानक गायब हो जाते हैं। उसके बाद हादसे में विनी को चोट लग जाती है। ऐसे में क्या सुरू और विनी की टीम अपना सपना पूरा कर पाएगी? समझ लीजिए कि कुछ कुछ चक दी इंडिया वाली स्थिति है। जहां तक डांस और कोरियोग्राफी का सवाल है, ये एक जबरदस्त फिल्म है और 3D तकनीक की वजह से इसमें एक चमत्कार भी आ गया है। इस लिहाज से ये इस कड़ी की पहली फिल्म ABCD से कई गुना आगे की है। ना सिर्फ प्रभुदेवा बल्कि वरुण और श्रद्धा के डांस वाले दृश्य गजब की है। वैसे ये फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित है। मुंबई के नाला सोपारा की फिक्सर्स डांसर कंपनी के लॉस वेगस के डांस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। निर्देशक रेमो डिसूजा ने कहा भी है कि उन्होंने मूल घटना में ज्यादा फेर बदल नहीं किया है। उस डांस ग्रुप के एक प्रमुख सदस्य का नाम भी सुरेश है, जिसका किरदार वरुण धवन ने निभाया है। ABCD 2 एक अलग तरह की प्रेरणादायी फिल्म है। अलग तरह की इसलिए कि इसका अंत थोड़ा अप्रत्याशित है। वरुण धवन ने शायद इसी फिल्म के लिए 6-pack abs बना लिए हैं, जो शायद दूसरी फिल्म में भी काम आएंगे। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी इस फिल्म में है जो खटकती है। एक तो वरुण और श्रद्धा के बीच वाला रोमांटिक पहलू अविकसित रह गया, जिसकी पूरी संभावना थी। हो सकता है कि निर्देशक ने जानबूझकर ऐसा किया हो ताकि डांस वाला पहलू पीछे ना छूट जाए। अगर इस रोमांटिक पहलू पर अधिक ध्यान दिया जाता तो फिल्म ज्यादा
जज्बाती होती। तीसरी ये कि फिल्म के संवाद भी वजनदार नहीं है, इस पर अधिक काम करने की जरूरत थी। फिर भी ये फिल्म युवा वर्ग में लोकप्रिय होगी और डांस केंद्रित फिल्मों में अपनी खास जगह बनाएंगी। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी भी शानदार है और लास वेगस के कई दृश्य मन को लुभाने वाले हैं। प्रभुदेवा अपने चेहरे पर भावनाओं की विविधता नहीं ला पाते, लेकिन उनका दक्षिण भारतीय लहजा और डांस धमाका करने वाला है। फिल्म में कई अच्छे मजाकिया दृश्य है। रेमो का अपना एक खास तरह का सेंस ऑफ ह्यूमर है जो प्रभुदेवा वाले दृश्य में बखूबी उभरता है। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। वरुण धवन और श्रद्धा कपूर की फिल्म एबीसीडी 2 देखने से पहले यह जाने फिल्म की कहानी, फिल्म का रिव्यू और जाने कहां देखे इस फिल्म को फ्री में। निर्देशक रेमो डिसूजा, कलाकार प्रभुदेवा, वरुण धवन, श्रद्धा कपूर, लॉरेन गोटली वगैरह नृत्य जो आजकल डांस के नाम से अधिक जाना जाता है पसंद करते हैं और 3D तकनीक के भी मुरीद है, तो एबीसीडी 2 आपको एक धमाकेदार फिल्म लगेगी। हिंदी में समकालीन डांस को लेकर कम ही फिल्में बनी है और एबीसीडी कड़ी की पहली फिल्म आने के बाद इस तरह की फिल्मों को लेकर उत्साह बना है। हालांकि इसकी एक और बड़ी वजह टीवी चैनलों पर आने वाले डांस की रियलिटी शो भी है। आकस्मिक नहीं कि एबीसीडी 2 की शुरुआत भी एक डांस रियलिटी शो से ही होती है। इस शो में भाग लेने वाली टीम मुंबई स्टनर की वो बाहर का रास्ता दिखाया दिया जाता है। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक विदेशी डांस शो की कोरियोग्राफी चोरी की। इसके बाद तो मुंबई स्टनर के प्रमुख डांसर सुरेश और विनी को गहरा मानसिक आघात लगता है, लेकिन शुरू यानी सुरेश हिम्मत नहीं हारता। आखिर वो क्यों हारे? उसे कपिल शर्मा की कॉमेडी शो के नवजोत सिंह सिंधु से गुरु मंत्र जो मिला है कि उसे अपना विश्वास नहीं खोना है। सो सिद्धू बाबा की वाणी से प्रेरणा लेकर शुरू और बीनी अपनी इज्जत बचाने के लिए लॉस वेगस में होने वाले डांस शो में भाग लेना चाहते हैं। उन्हें मदद मिलती है विष्णु सर से। ये लॉस वेगस पहुंचते तो है, लेकिन वहां विष्णु सर का अपना एजेंडा है। ये अचानक गायब हो जाते हैं। उसके बाद हादसे में विनी को चोट लग जाती है। ऐसे में क्या सुरु और विनी की टीम अपना सपना पूरा कर पाएगी? समझ लीजिए कि कुछ कुछ चक दी इंडिया वाली स्थिति है। जहां तक डांस और कोरियोग्राफी का सवाल है, ये एक जबरदस्त फिल्म है और 3D तकनीक की वजह से इसमें एक चमत्कार भी आ गया है। इस लिहाज से ये इस कड़ी की पहली फिल्म एबीसीडी से कई गुना आगे की है। ना सिर्फ प्रभुदेवा बल्कि वरुण और श्रद्धा के डांस वाले दृश्य गजब की है। वैसे ये फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित है। मुंबई के नाला सोपारा की फिक्सर्स डांसर कंपनी के लॉस वेगस के डांस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। निर्देशक रेमो डिसूजा ने कहा भी है कि उन्होंने मूल घटना में ज्यादा फेर बदल नहीं किया है। उस डांस ग्रुप के एक प्रमुख सदस्य का नाम भी सुरेश है, जिसका किरदार वरुण धवन ने निभाया है। एबीसीडी 2 एक अलग तरह की प्रेरणादायी फिल्म है। अलग तरह की इसलिए कि इसका अंत थोड़ा अप्रत्याशित है। वरुण धवन ने शायद इसी फिल्म के लिए 6-pack abs बना लिए हैं, जो शायद दूसरी फिल्म में भी काम आएंगे। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी इस फिल्म में है जो खटकती है। एक तो वरुण और श्रद्धा के बीच वाला रोमांटिक पहलू अविकसित रह गया, जिसकी पूरी संभावना थी। हो सकता है कि निर्देशक ने जानबूझकर ऐसा किया हो ताकि डांस वाला पहलू पीछे ना छूट जाए। अगर इस रोमांटिक पहलू पर अधिक ध्यान दिया जाता तो फिल्म ज्यादा जज्बाती होती। तीसरी ये कि फिल्म के संवाद भी वजनदार नहीं है, इस पर अधिक काम करने की जरूरत थी। फिर भी ये फिल्म युवा वर्ग में लोकप्रिय होगी और डांस केंद्रित फिल्मों में अपनी खास जगह बनाएंगी। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी भी शानदार है और लॉस वेगस के कई दृश्य मन को लुभाने वाले हैं। प्रभुदेवा अपने चेहरे पर भावनाओं की विविधता नहीं ला पाते, लेकिन उनका दक्षिण भारतीय लहजा और डांस धमाका करने वाला है। फिल्म में कई अच्छे मजाकिया दृश्य है। रेमो का अपना एक खास तरह का सेंस ऑफ ह्यूमर है जो प्रभुदेवा वाले दृश्य में बखूबी उभरता है। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है।
तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। वरुण धवन और श्रद्धा कपूर की फिल्म एबीसीडी 2 देखने से पहले यह जाने फिल्म की कहानी, फिल्म का रिव्यू और जाने कहां देखे इस फिल्म को फ्री में। निर्देशक रेमो डिसूजा, कलाकार प्रभुदेवा, वरुण धवन, श्रद्धा कपूर, लॉरेन गोटली वगैरह नृत्य जो आजकल डांस के नाम से अधिक जाना जाता है पसंद करते हैं और 3D तकनीक के भी मुरीद है तो एबीसीडी 2 आपको एक धमाकेदार फिल्म लगेगी। हिंदी में समकालीन डांस को लेकर कम ही फिल्में बनी है और एबीसीडी कड़ी की पहली फिल्म आने के बाद इस तरह की फिल्मों को लेकर उत्साह बना है। हालांकि इसकी एक और बड़ी वजह टीवी चैनलों पर आने वाले डांस की रियलिटी शो भी है। आकस्मिक नहीं कि एबीसीडी 2 की शुरुआत भी एक डांस रियलिटी शो से ही होती है। इस शो में भाग लेने वाली टीम मुंबई स्टनर की वो बाहर का रास्ता दिखाया दिया जाता है। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक विदेशी डांस शो की कोरियोग्राफी चोरी की। इसके बाद तो मुंबई स्टनर के प्रमुख डांसर सुरेश और विनी को गहरा मानसिक आघात लगता है, लेकिन सुरु यानी सुरेश हिम्मत नहीं हारता। आखिर वो क्यों हारे, उसे कपिल शर्मा के कॉमेडी शो के नवजोत सिंह सिंधु से गुरु मंत्र जो मिला है कि उसे अपना विश्वास नहीं खोना है। सो सिद्धू बाबा की वाणी से प्रेरणा लेकर सुरु और बीनी अपनी इज्जत बचाने के लिए लॉस वेगस में होने वाले डांस शो में भाग लेना चाहते हैं। उन्हें मदद मिलती है विष्णु सर से। ये लॉस वेगस पहुंचते तो है लेकिन वहां विष्णु सर का अपना एजेंडा है। ये अचानक गायब हो जाते हैं। उसके बाद हादसे में विनी को चोट लग जाती है। ऐसे में क्या सुरु और विनी की टीम अपना सपना पूरा कर पाएगी? समझ लीजिए कि कुछ कुछ चक दी इंडिया वाली स्थिति है। जहां तक डांस और कोरियोग्राफी का सवाल है, ये एक जबरदस्त फिल्म है और 3D तकनीक की वजह से इसमें एक चमत्कार भी आ गया है। इस लिहाज से ये इस कड़ी की पहली फिल्म एबीसीडी से कई गुना आगे की है। ना सिर्फ प्रभुदेवा बल्कि वरुण और श्रद्धा के डांस वाले दृश्य गजब की है। वैसे ये फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित है। मुंबई के नाला सोपारा की फिक्सर्स डांसर कंपनी के लॉस वेगस के डांस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। निर्देशक रेमो डिसूजा ने कहा भी है कि उन्होंने मूल घटना में ज्यादा फेर बदल नहीं किया है। उस डांस ग्रुप के एक प्रमुख सदस्य का नाम भी सुरेश है जिसका किरदार वरुण धवन ने निभाया है। एबीसीडी 2 एक अलग तरह की प्रेरणादायी फिल्म है। अलग तरह की इसलिए कि इसका अंत थोड़ा अप्रत्याशित है। वरुण धवन ने शायद इसी फिल्म के लिए 6-pack abs बना लिए है जो शायद दूसरी फिल्म में भी काम आएंगे, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी इस फिल्म में है जो खटकती है। एक तो वरुण और श्रद्धा के बीच वाला रोमांटिक पहलू अविकसित रह गया जिसकी पूरी संभावना थी। हो सकता है कि निर्देशक ने जानबूझकर ऐसा किया हो ताकि डांस वाला पहलू पीछे ना छूट जाए। अगर इस रोमांटिक पहलू पर अधिक ध्यान दिया जाता तो फिल्म ज्यादा जज्बाती होती। तीसरी ये कि फिल्म के संवाद भी वजनदार नहीं है, इस पर अधिक काम करने की जरूरत थी। फिर भी ये फिल्म युवा वर्ग में लोकप्रिय होगी और डांस केंद्रित फिल्मों में अपनी खास जगह बनाएंगी। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी भी शानदार है और लॉस वेगस के कई दृश्य मन को लुभाने वाले हैं। प्रभुदेवा अपने चेहरे पर भावनाओं की विविधता नहीं ला पाते, लेकिन उनका दक्षिण भारतीय लहजा और डांस धमाका करने वाला है। फिल्म में कई अच्छे मजाकिया दृश्य है। रेमो का अपना एक खास तरह का सेंस ऑफ ह्यूमर है जो प्रभुदेवा वाले दृश्य में बखूबी उभरता है। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। वरुण धवन और श्रद्धा कपूर की फिल्म एबीसीडी 2 देखने से पहले यह जाने फिल्म की कहानी, फिल्म का रिव्यू और जाने कहां देखे इस फिल्म को फ्री में। निर्देशक रेमो डिसूजा, कलाकार प्रभुदेवा, वरुण धवन, श्रद्धा कपूर, लॉरेन गोटली वगैरह नृत्य जो आजकल डांस के नाम से अधिक जाना जाता है पसंद करते हैं और 3D तकनीक के भी मुरीद है तो एबीसीडी 2 आपको एक धमाकेदार फिल्म लगेगी। हिंदी में समकालीन डांस को लेकर कम ही फिल्में बनी है और एबीसीडी कड़ी की पहली फिल्म आने के बाद इस तरह की फिल्मों को लेकर उत्साह बना है। हालांकि इसकी एक और बड़ी वजह टीवी चैनलों पर आने वाले डांस की रियलिटी शो भी है।
आकस्मिक नहीं कि एबीसीडी 2 की शुरुआत भी एक डांस रियलिटी शो से ही होती है। इस शो में भाग लेने वाली टीम मुंबई स्टनर की वो बाहर का रास्ता दिखाया दिया जाता है। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक विदेशी डांस शो की कोरियोग्राफी चोरी की। इसके बाद तो मुंबई स्टनर के प्रमुख डांसर सुरेश और विनी को गहरा मानसिक आघात लगता है, लेकिन सुरू यानी सुरेश हिम्मत नहीं हारता। आखिर वो क्यों हारे? उसे कपिल शर्मा की कॉमेडी शो के नवजोत सिंह सिंधु से गुरु मंत्र जो मिला है कि उसे अपना विश्वास नहीं खोना है। सो सिद्धू बाबा की वाणी से प्रेरणा लेकर शुरू और बीनी अपनी इज्जत बचाने के लिए लॉस वेगस में होने वाले डांस शो में भाग लेना चाहते हैं। उन्हें मदद मिलती है विष्णु सर से। ये लॉस वेगस पहुंचते तो है, लेकिन वहां विष्णु सर का अपना एजेंडा है। ये अचानक गायब हो जाते हैं। उसके बाद हादसे में विनी को चोट लग जाती है। ऐसे में क्या सुरू और विनी की टीम अपना सपना पूरा कर पाएगी? समझ लीजिए कि कुछ कुछ चक दी इंडिया वाली स्थिति है। जहां तक डांस और कोरियोग्राफी का सवाल है, ये एक जबरदस्त फिल्म है और 3D तकनीक की वजह से इसमें एक चमत्कार भी आ गया है। इस लिहाज से ये इस कड़ी की पहली फिल्म ABCD से कई गुना आगे की है। ना सिर्फ प्रभुदेवा बल्कि वरुण और श्रद्धा के डांस वाले दृश्य गजब की है। वैसे ये फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित है। मुंबई के नाला सोपारा की फिक्सर्स डांसर कंपनी के लॉस वेगस के डांस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। निर्देशक रेमो डिसूजा ने कहा भी है कि उन्होंने मूल घटना में ज्यादा फेर बदल नहीं किया है। उस डांस ग्रुप के एक प्रमुख सदस्य का नाम भी सुरेश है, जिसका किरदार वरुण धवन ने निभाया है। ABCD 2 एक अलग तरह की प्रेरणादायी फिल्म है। अलग तरह की इसलिए कि इसका अंत थोड़ा अप्रत्याशित है। वरुण धवन ने शायद इसी फिल्म के लिए 6-pack abs बना लिए हैं, जो शायद दूसरी फिल्म में भी काम आएंगे। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी इस फिल्म में है जो खटकती है। एक तो वरुण और श्रद्धा के बीच वाला रोमांटिक पहलू अविकसित रह गया, जिसकी पूरी संभावना थी। हो सकता है कि निर्देशक ने जानबूझकर ऐसा किया हो ताकि डांस वाला पहलू पीछे ना छूट जाए। अगर इस रोमांटिक पहलू पर अधिक ध्यान दिया जाता तो फिल्म ज्यादा जज्बाती होती। तीसरी ये कि फिल्म के संवाद भी वजनदार नहीं है, इस पर अधिक काम करने की जरूरत थी। फिर भी ये फिल्म युवा वर्ग में लोकप्रिय होगी और डांस केंद्रित फिल्मों में अपनी खास जगह बनाएंगी। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी भी शानदार है और लॉस वेगस के कई दृश्य मन को लुभाने वाले हैं। प्रभुदेवा अपने चेहरे पर भावनाओं की विविधता नहीं ला पाते, लेकिन उनका दक्षिण भारतीय लहजा और डांस धमाका करने वाला है। फिल्म में कई अच्छे मजाकिया दृश्य है। रेमो का अपना एक खास तरह का सेंस ऑफ ह्यूमर है, जो प्रभुदेवा वाले दृश्य में बखूबी उभरता है। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। वरुण धवन और श्रद्धा कपूर की फिल्म ABCD 2 देखने से पहले यह जाने फिल्म की कहानी, फिल्म का रिव्यू और जाने कहां देखें इस फिल्म को फ्री में। निर्देशक रेमो डिसूजा, कलाकार प्रभुदेवा, वरुण धवन, श्रद्धा कपूर, लॉरेन गोटली वगैरह नृत्य जो आजकल डांस के नाम से अधिक जाना जाता है पसंद करते हैं और 3D तकनीक के भी मुरीद है, तो ABCD 2 आपको एक धमाकेदार फिल्म लगेगी। हिंदी में समकालीन डांस को लेकर कम ही फिल्में बनी है और ABCD कड़ी की पहली फिल्म आने के बाद इस तरह की फिल्मों को लेकर उत्साह बना है। हालांकि इसकी एक और बड़ी वजह टीवी चैनलों पर आने वाले डांस की रियलिटी शो भी है। आकस्मिक नहीं कि ABCD 2 की शुरुआत भी एक डांस रियलिटी शो से ही होती है। इस शो में भाग लेने वाली टीम मुंबई स्टनर की वो बाहर का रास्ता दिखाया दिया जाता है। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक विदेशी डांस शो की कोरियोग्राफी चोरी की। इसके बाद तो मुंबई स्टनर के प्रमुख डांसर सुरेश और विनी को गहरा मानसिक आघात लगता है, लेकिन सुरू यानी सुरेश हिम्मत नहीं हारता। आखिर वो क्यों हारे? उसे कपिल शर्मा की कॉमेडी शो के नवजोत सिंह सिंधु से गुरु मंत्र जो मिला है कि उसे अपना विश्वास नहीं खोना है। सो सिद्धू बाबा की वाणी से प्रेरणा लेकर शुरू और
बीनी अपनी इज्जत बचाने के लिए लास वेगस में होने वाले डांस शो में भाग लेना चाहते हैं। उन्हें मदद मिलती है विष्णु सर से। ये लास वेगस पहुंचते तो है, लेकिन वहां विष्णु सर का अपना एजेंडा है। ये अचानक गायब हो जाते हैं। उसके बाद हादसे में विनी को चोट लग जाती है। ऐसे में क्या सुडू और विनी की टीम अपना सपना पूरा कर पाएगी? समझ लीजिए कि कुछ कुछ चक दी इंडिया वाली स्थिति है। जहां तक डांस और कोरियोग्राफी का सवाल है, ये एक जबरदस्त फिल्म है और 3D तकनीक की वजह से इसमें एक चमत्कार भी आ गया है। इस लिहाज से ये इस कड़ी की पहली फिल्म ABCD से कई गुना आगे की है। ना सिर्फ प्रभुदेवा बल्कि वरुण और श्रद्धा के डांस वाले दृश्य गजब की है। वैसे ये फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित है। मुंबई के नाला सोपारा की फिक्सर्स डांसर कंपनी के लॉस वेगस के डांस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। निर्देशक रेमो डिसूजा ने कहा भी है कि उन्होंने मूल घटना में ज्यादा फेर बदल नहीं किया है। उस डांस ग्रुप के एक प्रमुख सदस्य का नाम भी सुरेश है, जिसका किरदार वरुण धवन ने निभाया है। ABCD2 एक अलग तरह की प्रेरणादायी फिल्म है। अलग तरह की इसलिए कि इसका अंत थोड़ा अप्रत्याशित है। वरुण धवन ने शायद इसी फिल्म के लिए 6-pack abs बना लिए हैं, जो शायद दूसरी फिल्म में भी काम आएंगे। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी इस फिल्म में है जो खटकती है। एक तो वरुण और श्रद्धा के बीच वाला रोमांटिक पहलू अविकसित रह गया, जिसकी पूरी संभावना थी। हो सकता है कि निर्देशक ने जानबूझकर ऐसा किया हो ताकि डांस वाला पहलू पीछे ना छूट जाए। अगर इस रोमांटिक पहलू पर अधिक ध्यान दिया जाता तो फिल्म ज्यादा जज्बाती होती। तीसरी ये कि फिल्म के संवाद भी वजनदार नहीं है, इस पर अधिक काम करने की जरूरत थी। फिर भी ये फिल्म युवा वर्ग में लोकप्रिय होगी और डांस केंद्रित फिल्मों में अपनी खास जगह बनाएंगी। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी भी शानदार है और लॉस वेगस के कई दृश्य मन को लुभाने वाले हैं। प्रभुदेवा अपने चेहरे पर भावनाओं की विविधता नहीं ला पाते, लेकिन उनका दक्षिण भारतीय लहजा और डांस धमाका करने वाला है। फिल्म में कई अच्छे मजाकिया दृश्य है। रेमो का अपना एक खास तरह का सेंस ऑफ ह्यूमर है, जो प्रभुदेवा वाले दृश्य में बखूबी उभरता है। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। वरुण धवन और श्रद्धा कपूर की फिल्म ABCD2 देखने से पहले यहां जाने फिल्म की कहानी, फिल्म का रिव्यू और जाने कहां देखें इस फिल्म को फ्री में। निर्देशक रेमो डिसूजा, कलाकार प्रभुदेवा, वरुण धवन, श्रद्धा कपूर, लॉरेन गोटली वगैरह नृत्य जो आजकल डांस के नाम से अधिक जाना जाता है पसंद करते हैं और 3D तकनीक के भी मुरीद है, तो ABCD2 आपको एक धमाकेदार फिल्म लगेगी। हिंदी में समकालीन डांस को लेकर कम ही फिल्में बनी है और ABCD कड़ी की पहली फिल्म आने के बाद इस तरह की फिल्मों को लेकर उत्साह बना है। हालांकि इसकी एक और बड़ी वजह टीवी चैनलों पर आने वाले डांस की रियलिटी शो भी है। आकस्मिक नहीं कि ABCD2 की शुरुआत भी एक डांस रियलिटी शो से ही होती है। इस शो में भाग लेने वाली टीम मुंबई स्टनर की वो बाहर का रास्ता दिखाया दिया जाता है। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक विदेशी डांस शो की कोरियोग्राफी चोरी की। इसके बाद तो मुंबई स्टनर के प्रमुख डांसर सुरेश और विनी को गहरा मानसिक आघात लगता है, लेकिन सुडू यानी सुरेश हिम्मत नहीं हारता। आखिर वो क्यों हारे? उसे कपिल शर्मा के कॉमेडी शो के नवजोत सिंह सिद्धू से गुरु मंत्र जो मिला है कि उसे अपना विश्वास नहीं खोना है। सो सिद्धू बाबा की वाणी से प्रेरणा लेकर सुडू और बीनी अपनी इज्जत बचाने के लिए लॉस वेगस में होने वाले डांस शो में भाग लेना चाहते हैं। उन्हें मदद मिलती है विष्णु सर से। ये लॉस वेगस पहुंचते तो है, लेकिन वहां विष्णु सर का अपना एजेंडा है। ये अचानक गायब हो जाते हैं। उसके बाद हादसे में विनी को चोट लग जाती है। ऐसे में क्या सुडू और विनी की टीम अपना सपना पूरा कर पाएगी? समझ लीजिए कि कुछ कुछ चक दी इंडिया वाली स्थिति है। जहां तक डांस और कोरियोग्राफी का सवाल है, ये एक जबरदस्त फिल्म है और 3D तकनीक की वजह से इसमें एक चमत्कार भी आ गया है। इस लिहाज से ये इस कड़ी की पहली फिल्म ABCD से कई गुना आगे की है।
ना सिर्फ प्रभु देवा बल्कि वरुण और श्रद्धा के डांस वाले दृश्य गजब की है। वैसे ये फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित है। मुंबई के नाला सोपारा की फिक्सर्स डांसर कंपनी के लॉस वेगस के डांस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। निर्देशक रेमो डिसूजा ने कहा भी है कि उन्होंने मूल घटना में ज्यादा फेर बदल नहीं किया है। उस डांस ग्रुप के एक प्रमुख सदस्य का नाम भी सुरेश है, जिसका किरदार वरुण धवन ने निभाया है। एबीसीडी 2 एक अलग तरह की प्रेरणादायी फिल्म है। अलग तरह की इसलिए कि इसका अंत थोड़ा अप्रत्याशित है। वरुण धवन ने शायद इसी फिल्म के लिए 6-pack abs बना लिए हैं, जो शायद दूसरी फिल्म में भी काम आएंगे। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी इस फिल्म में है जो खटकती है। एक तो वरुण और श्रद्धा के बीच वाला रोमांटिक पहलू अब विकसित रह गया, जिसकी पूरी संभावना थी। हो सकता है कि निर्देशक ने जानबूझकर ऐसा किया हो ताकि डांस वाला पहलू पीछे ना छूट जाए। अगर इस रोमांटिक पहलू पर अधिक ध्यान दिया जाता तो फिल्म ज्यादा जज्बाती होती। तीसरी ये कि फिल्म के संवाद भी वजनदार नहीं है, इस पर अधिक काम करने की जरूरत थी। फिर भी ये फिल्म युवा वर्ग में लोकप्रिय होगी और डांस केंद्रित फिल्मों में अपनी खास जगह बनाएंगी। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी भी शानदार है और लॉस वेगस के कई दृश्य मन को लुभाने वाले हैं। प्रभुदेवा अपने चेहरे पर भावनाओं की विविधता नहीं ला पाते, लेकिन उनका दक्षिण भारतीय लहजा और डांस धमाका करने वाला है। फिल्म में कई अच्छे मजाकिया दृश्य है। रेमो का अपना एक खास तरह का सेंस ऑफ ह्यूमर है, जो प्रभुदेवा वाले दृश्य में बखूबी उभरता है। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। वरुण धवन और श्रद्धा कपूर की फिल्म एबीसीडी 2 देखने से पहले यह जाने फिल्म की कहानी, फिल्म का रिव्यू और जाने कहां देखें इस फिल्म को फ्री में। निर्देशक रेमो डिसूजा, कलाकार प्रभुदेवा, वरुण धवन, श्रद्धा कपूर, लॉरेन गोटली वगैरह नृत्य जो आजकल डांस के नाम से अधिक जाना जाता है पसंद करते हैं और 3D तकनीक के भी मुरीद है, तो एबीसीडी 2 आपको एक धमाकेदार फिल्म लगेगी। हिंदी में समकालीन डांस को लेकर कम ही फिल्में बनी है और एबीसीडी कड़ी की पहली फिल्म आने के बाद इस तरह की फिल्मों को लेकर उत्साह बना है। हालांकि इसकी एक और बड़ी वजह टीवी चैनलों पर आने वाले डांस की रियलिटी शो भी है। आकस्मिक नहीं कि एबीसीडी 2 की शुरुआत भी एक डांस रियलिटी शो से ही होती है। इस शो में भाग लेने वाली टीम मुंबई स्टनर की वो बाहर का रास्ता दिखाया दिया जाता है। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक विदेशी डांस शो की कोरियोग्राफी चोरी की। इसके बाद तो मुंबई स्टनर के प्रमुख डांसर सुरेश और विनी को गहरा मानसिक आघात लगता है, लेकिन शुरू यानी सुरेश हिम्मत नहीं हारता। आखिर वो क्यों हारे? उसे कपिल शर्मा की कॉमेडी शो के नवजोत सिंह सिंधु से गुरु मंत्र जो मिला है कि उसे अपना विश्वास नहीं खोना है। सो सिद्धू बाबा की वाणी से प्रेरणा लेकर शुरू और बीनी अपनी इज्जत बचाने के लिए लॉस वेगस में होने वाले डांस शो में भाग लेना चाहते हैं। उन्हें मदद मिलती है विष्णु सर से। ये लॉस वेगस पहुंचते तो है, लेकिन वहां विष्णु सर का अपना एजेंडा है। ये अचानक गायब हो जाते हैं। उसके बाद हादसे में विनी को चोट लग जाती है। ऐसे में क्या शुरू और विनी की टीम अपना सपना पूरा कर पाएगी? समझ लीजिए कि कुछ कुछ चक दी इंडिया वाली स्थिति है। जहां तक डांस और कोरियोग्राफी का सवाल है, ये एक जबरदस्त फिल्म है और 3D तकनीक की वजह से इसमें एक चमत्कार भी आ गया है। इस लिहाज से ये इस कड़ी की पहली फिल्म एबीसीडी से कई गुना आगे की है। ना सिर्फ प्रभु देवा बल्कि वरुण और श्रद्धा के डांस वाले दृश्य गजब की है। वैसे ये फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित है। मुंबई के नाला सोपारा की फिक्सर्स डांसर कंपनी के लॉस वेगस के डांस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। निर्देशक रेमो डिसूजा ने कहा भी है कि उन्होंने मूल घटना में ज्यादा फेर बदल नहीं किया है। उस डांस ग्रुप के एक प्रमुख सदस्य का नाम भी सुरेश है, जिसका किरदार वरुण धवन ने निभाया है। एबीसीडी 2 एक अलग तरह की प्रेरणादायी फिल्म है। अलग तरह की इसलिए कि इसका अंत थोड़ा अप्रत्याशित है। वरुण धवन ने शायद इसी फिल्म के लिए 6-pack abs बना लिए हैं, जो शायद दूसरी फिल्म में भी काम आएंगे। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी इस फिल्म में है जो
खटकती है। एक तो वरुण अश्रद्धा के बीच वाला रोमांटिक पहलू अब विकसित रह गया जिसकी पूरी संभावना थी। हो सकता है कि निर्देशक ने जानबूझकर ऐसा किया हो ताकि डांस वाला पहलू पीछे ना छूट जाए। अगर इस रोमांटिक पहलू पर अधिक ध्यान दिया जाता तो फिल्म ज्यादा जज्बाती होती। तीसरी ये कि फिल्म के संवाद भी वजनदार नहीं है, इस पर अधिक काम करने की जरूरत थी। फिर भी ये फिल्म युवा वर्ग में लोकप्रिय होगी और डांस केंद्रित फिल्मों में अपनी खास जगह बनाएंगी। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी भी शानदार है और लास वेगास के कई दृश्य मन को लुभाने वाले हैं। प्रभुदेवा अपने चेहरे पर भावनाओं की विविधता नहीं ला पाते, लेकिन उनका दक्षिण भारतीय लहजा और डांस धमाका करने वाला है। फिल्म में कई अच्छे मजाकिया दृश्य है। रेमो का अपना एक खास तरह का सेंस ऑफ ह्यूमर है जो प्रभुदेवा वाले दृश्य में बखूबी उभरता है। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। वरुण धवन और श्रद्धा कपूर की फिल्म एबीसीडी 2 देखने से पहले यह जाने फिल्म की कहानी, फिल्म का रिव्यू और जाने कहां देखें इस फिल्म को फ्री में। निर्देशक रेमो डिसूजा, कलाकार प्रभुदेवा, वरुण धवन, श्रद्धा कपूर, लॉरेन गोटली वगैरह नृत्य जो आजकल डांस के नाम से अधिक जाना जाता है पसंद करते हैं और 3D तकनीक के भी मुरीद है, तो एबीसीडी 2 आपको एक धमाकेदार फिल्म लगेगी। हिंदी में समकालीन डांस को लेकर कम ही फिल्में बनी है और एबीसीडी कड़ी की पहली फिल्म आने के बाद इस तरह की फिल्मों को लेकर उत्साह बना है। हालांकि इसकी एक और बड़ी वजह टीवी चैनलों पर आने वाले डांस की रियलिटी शो भी है। आकस्मिक नहीं कि एबीसीडी 2 की शुरुआत भी एक डांस रियलिटी शो से ही होती है। इस शो में भाग लेने वाली टीम मुंबई स्टनर की वो बाहर का रास्ता दिखाया दिया जाता है। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक विदेशी डांस शो की कोरियोग्राफी चोरी की। इसके बाद तो मुंबई स्टनर के प्रमुख डांसर सुरेश और विनी को गहरा मानसिक आघात लगता है, लेकिन सुरु यानी सुरेश हिम्मत नहीं हारता। आखिर वो क्यों हारे, उसे कपिल शर्मा के कॉमेडी शो के नवजोत सिंह सिंधु से गुरु मंत्र जो मिला है कि उसे अपना विश्वास नहीं खोना है। सो सिद्धू बाबा की वाणी से प्रेरणा लेकर सुरु और बीनी अपनी इज्जत बचाने के लिए लॉस वेगास में होने वाले डांस शो में भाग लेना चाहते हैं। उन्हें मदद मिलती है विष्णु सर से। ये लॉस वेगास पहुंचते तो है, लेकिन वहां विष्णु सर का अपना एजेंडा है। ये अचानक गायब हो जाते हैं। उसके बाद हादसे में विनी को चोट लग जाती है। ऐसे में क्या सुरु और विनी की टीम अपना सपना पूरा कर पाएगी? समझ लीजिए कि कुछ कुछ चक दी इंडिया वाली स्थिति है। जहां तक डांस और कोरियोग्राफी का सवाल है, ये एक जबरदस्त फिल्म है और 3D तकनीक की वजह से इसमें एक चमत्कार भी आ गया है। इस लिहाज से ये इस कड़ी की पहली फिल्म एबीसीडी से कई गुना आगे की है। ना सिर्फ प्रभुदेवा बल्कि वरुण अश्रद्धा के डांस वाले दृश्य गजब की है। वैसे ये फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित है। मुंबई के नाला सोपारा की फिक्सर्स डांसर कंपनी के लॉस वेगास के डांस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। निर्देशक रेमो डिसूजा ने कहा भी है कि उन्होंने मूल घटना में ज्यादा फेर बदल नहीं किया है। उस डांस ग्रुप के एक प्रमुख सदस्य का नाम भी सुरेश है, जिसका किरदार वरुण धवन ने निभाया है। एबीसीडी 2 एक अलग तरह की प्रेरणादायी फिल्म है। अलग तरह की इसलिए कि इसका अंत थोड़ा अप्रत्याशित है। वरुण धवन ने शायद इसी फिल्म के लिए 6-pack abs बना लिए है, जो शायद दूसरी फिल्म में भी काम आएंगे। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी इस फिल्म में है जो खटकती है। एक तो वरुण अश्रद्धा के बीच वाला रोमांटिक पहलू अब विकसित रह गया जिसकी पूरी संभावना थी। हो सकता है कि निर्देशक ने जानबूझकर ऐसा किया हो ताकि डांस वाला पहलू पीछे ना छूट जाए। अगर इस रोमांटिक पहलू पर अधिक ध्यान दिया जाता तो फिल्म ज्यादा जज्बाती होती। तीसरी ये कि फिल्म के संवाद भी वजनदार नहीं है, इस पर अधिक काम करने की जरूरत थी। फिर भी ये फिल्म युवा वर्ग में लोकप्रिय होगी और डांस केंद्रित फिल्मों में अपनी खास जगह बनाएंगी। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी भी शानदार है और लॉस वेगास के कई दृश्य मन को लुभाने वाले हैं। प्रभुदेवा अपने चेहरे पर भावनाओं की विविधता नहीं ला पाते, लेकिन उनका दक्षिण भारतीय लहजा और डांस धमाका करने वाला है। फिल्म में कई अच्छे
मजाकिया दृश्य है। रेमो का अपना एक खास तरह का सेंस ऑफ ह्यूमर है जो प्रभुदेवा वाले दृश्य में बखूबी उभरता है। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। वरुण धवन और श्रद्धा कपूर की फिल्म एबीसीडी 2 देखने से पहले यह जाने फिल्म की कहानी, फिल्म का रिव्यू और जाने कहां देखे इस फिल्म को फ्री में। निर्देशक रेमो डिसूजा, कलाकार प्रभुदेवा, वरुण धवन, श्रद्धा कपूर, लॉरेन गोटली वगैरह नृत्य जो आजकल डांस के नाम से अधिक जाना जाता है पसंद करते हैं और 3D तकनीक के भी मुरीद है, तो एबीसीडी 2 आपको एक धमाकेदार फिल्म लगेगी। हिंदी में समकालीन डांस को लेकर कम ही फिल्में बनी है और एबीसीडी कड़ी की पहली फिल्म आने के बाद इस तरह की फिल्मों को लेकर उत्साह बना है। हालांकि इसकी एक और बड़ी वजह टीवी चैनलों पर आने वाले डांस की रियलिटी शो भी है। आकस्मिक नहीं कि एबीसीडी 2 की शुरुआत भी एक डांस रियलिटी शो से ही होती है। इस शो में भाग लेने वाली टीम मुंबई स्टनर की वो बाहर का रास्ता दिखाया दिया जाता है। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक विदेशी डांस शो की कोरियोग्राफी चोरी की। इसके बाद तो मुंबई स्टनर के प्रमुख डांसर सुरेश और विनी को गहरा मानसिक आघात लगता है, लेकिन शुरू यानी सुरेश हिम्मत नहीं हारता। आखिर वो क्यों हारे? उसे कपिल शर्मा की कॉमेडी शो के नवजोत सिंह सिंधु से गुरु मंत्र जो मिला है कि उसे अपना विश्वास नहीं खोना है। सो सिद्धू बाबा की वाणी से प्रेरणा लेकर शुरू और बीनी अपनी इज्जत बचाने के लिए लॉस वेगस में होने वाले डांस शो में भाग लेना चाहते हैं। उन्हें मदद मिलती है विष्णु सर से। ये लॉस वेगस पहुंचते तो है, लेकिन वहां विष्णु सर का अपना एजेंडा है। ये अचानक गायब हो जाते हैं। उसके बाद हादसे में विनी को चोट लग जाती है। ऐसे में क्या सुरु और विनी की टीम अपना सपना पूरा कर पाएगी? समझ लीजिए कि कुछ कुछ चक दी इंडिया वाली स्थिति है। जहां तक डांस और कोरियोग्राफी का सवाल है, ये एक जबरदस्त फिल्म है और 3D तकनीक की वजह से इसमें एक चमत्कार भी आ गया है। इस लिहाज से ये इस कड़ी की पहली फिल्म एबीसीडी से कई गुना आगे की है। ना सिर्फ प्रभुदेवा बल्कि वरुण और श्रद्धा के डांस वाले दृश्य गजब की है। वैसे ये फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित है। मुंबई के नाला सोपारा की फिक्सर्स डांसर कंपनी के लॉस वेगस के डांस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। निर्देशक रेमो डिसूजा ने कहा भी है कि उन्होंने मूल घटना में ज्यादा फेर बदल नहीं किया है। उस डांस ग्रुप के एक प्रमुख सदस्य का नाम भी सुरेश है, जिसका किरदार वरुण धवन ने निभाया है। एबीसीडी 2 एक अलग तरह की प्रेरणादायी फिल्म है। अलग तरह की इसलिए कि इसका अंत थोड़ा अप्रत्याशित है। वरुण धवन ने शायद इसी फिल्म के लिए 6-pack abs बना लिए हैं, जो शायद दूसरी फिल्म में भी काम आएंगे। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी इस फिल्म में है जो खटकती है। एक तो वरुण और श्रद्धा के बीच वाला रोमांटिक पहलू अविकसित रह गया, जिसकी पूरी संभावना थी। हो सकता है कि निर्देशक ने जानबूझकर ऐसा किया हो ताकि डांस वाला पहलू पीछे ना छूट जाए। अगर इस रोमांटिक पहलू पर अधिक ध्यान दिया जाता तो फिल्म ज्यादा जज्बाती होती। तीसरी ये कि फिल्म के संवाद भी वजनदार नहीं है, इस पर अधिक काम करने की जरूरत थी। फिर भी ये फिल्म युवा वर्ग में लोकप्रिय होगी और डांस केंद्रित फिल्मों में अपनी खास जगह बनाएंगी। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी भी शानदार है और लॉस वेगस के कई दृश्य मन को लुभाने वाले हैं। प्रभुदेवा अपने चेहरे पर भावनाओं की विविधता नहीं ला पाते, लेकिन उनका दक्षिण भारतीय लहजा और डांस धमाका करने वाला है। फिल्म में कई अच्छे मजाकिया दृश्य है। रेमो का अपना एक खास तरह का सेंस ऑफ ह्यूमर है जो प्रभुदेवा वाले दृश्य में बखूबी उभरता है। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। वरुण धवन और श्रद्धा कपूर की फिल्म एबीसीडी 2 देखने से पहले यह जाने फिल्म की कहानी, फिल्म का रिव्यू और
जॉन ने कहा देखे इस फिल्म को फ्री में। निर्देशक रेमो डिसूजा, कलाकार प्रभुदेवा, वरुण धवन, श्रद्धा कपूर, लॉरेन गोटली वगैरह नृत्य जो आजकल डांस के नाम से अधिक जाना जाता है पसंद करते हैं और 3D तकनीक के भी मुरीद है तो ABCD 2 आपको एक धमाकेदार फिल्म लगेगी। हिंदी में समकालीन डांस को लेकर कम ही फिल्में बनी है और ABCD कड़ी की पहली फिल्म आने के बाद इस तरह की फिल्मों को लेकर उत्साह बना है। हालांकि इसकी एक और बड़ी वजह टीवी चैनलों पर आने वाले डांस की रियलिटी शो भी है। आकस्मिक नहीं कि ABCD 2 की शुरुआत भी एक डांस रियलिटी शो से ही होती है। इस शो में भाग लेने वाली टीम मुंबई स्टनर की वो बाहर का रास्ता दिखाया दिया जाता है। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक विदेशी डांस शो की कोरियोग्राफी चोरी की। इसके बाद तो मुंबई स्टनर के प्रमुख डांसर सुरेश और विनी को गहरा मानसिक आघात लगता है, लेकिन सुरु यानी सुरेश हिम्मत नहीं हारता। आखिर वो क्यों हारे? उसे कपिल शर्मा की कॉमेडी शो के नवजोत सिंह सिंधु से गुरु मंत्र जो मिला है कि उसे अपना विश्वास नहीं खोना है। सो सिद्धु बाबा की वाणी से प्रेरणा लेकर सुरु और बीनी अपनी इज्जत बचाने के लिए लॉस वेगस में होने वाले डांस शो में भाग लेना चाहते हैं। उन्हें मदद मिलती है विष्णु सर से। ये लॉस वेगस पहुंचते तो है लेकिन वहां विष्णु सर का अपना एजेंडा है। ये अचानक गायब हो जाते हैं। उसके बाद हादसे में विनी को चोट लग जाती है। ऐसे में क्या सुरु और विनी की टीम अपना सपना पूरा कर पाएगी? समझ लीजिए कि कुछ कुछ चक दी इंडिया वाली स्थिति है। जहां तक डांस और कोरियोग्राफी का सवाल है, ये एक जबरदस्त फिल्म है और 3D तकनीक की वजह से इसमें एक चमत्कार भी आ गया है। इस लिहाज से ये इस कड़ी की पहली फिल्म ABCD से कई गुना आगे की है। ना सिर्फ प्रभुदेवा बल्कि वरुण और श्रद्धा के डांस वाले दृश्य गजब की है। वैसे ये फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित है। मुंबई के नाला सोपारा की फिक्सर्स डांसर कंपनी के लॉस वेगस के डांस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। निर्देशक रेमो डिसूजा ने कहा भी है कि उन्होंने मूल घटना में ज्यादा फेर बदल नहीं किया है। उस डांस ग्रुप के एक प्रमुख सदस्य का नाम भी सुरेश है जिसका किरदार वरुण धवन ने निभाया है। ABCD 2 एक अलग तरह की प्रेरणादायी फिल्म है। अलग तरह की इसलिए कि इसका अंत थोड़ा अप्रत्याशित है। वरुण धवन ने शायद इसी फिल्म के लिए 6-pack abs बना लिए हैं जो शायद दूसरी फिल्म में भी काम आएंगे, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी इस फिल्म में है जो खटकती है। एक तो वरुण और श्रद्धा के बीच वाला रोमांटिक पहलू अविकसित रह गया जिसकी पूरी संभावना थी। हो सकता है कि निर्देशक ने जानबूझकर ऐसा किया हो ताकि डांस वाला पहलू पीछे ना छूट जाए। अगर इस रोमांटिक पहलू पर अधिक ध्यान दिया जाता तो फिल्म ज्यादा जज्बाती होती। तीसरी ये कि फिल्म के संवाद भी वजनदार नहीं है, इस पर अधिक काम करने की जरूरत थी। फिर भी ये फिल्म युवा वर्ग में लोकप्रिय होगी और डांस केंद्रित फिल्मों में अपनी खास जगह बनाएंगी। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी भी शानदार है और लॉस वेगस के कई दृश्य मन को लुभाने वाले हैं। प्रभुदेवा अपने चेहरे पर भावनाओं की विविधता नहीं ला पाते, लेकिन उनका दक्षिण भारतीय लहजा और डांस धमाका करने वाला है। फिल्म में कई अच्छे मजाकिया दृश्य है। रेमो का अपना एक खास तरह का सेंस ऑफ ह्यूमर है जो प्रभुदेवा वाले दृश्य में बखूबी उभरता है। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। वरुण धवन और श्रद्धा कपूर की फिल्म ABCD 2 देखने से पहले यह जाने फिल्म की कहानी, फिल्म का रिव्यू और जाने कहा देखे इस फिल्म को फ्री में। निर्देशक रेमो डिसूजा, कलाकार प्रभुदेवा, वरुण धवन, श्रद्धा कपूर, लॉरेन गोटली वगैरह नृत्य जो आजकल डांस के नाम से अधिक जाना जाता है पसंद करते हैं और 3D तकनीक के भी मुरीद है तो ABCD 2 आपको एक धमाकेदार फिल्म लगेगी। हिंदी में समकालीन डांस को लेकर कम ही फिल्में बनी है और ABCD कड़ी की पहली फिल्म आने के बाद इस तरह की फिल्मों को लेकर उत्साह बना है। हालांकि इसकी एक और बड़ी वजह टीवी चैनलों पर आने वाले डांस की रियलिटी शो भी है। आकस्मिक नहीं कि ABCD 2 की शुरुआत भी एक डांस रियलिटी शो से ही होती है। इस शो में भाग लेने वाली टीम मुंबई स्टनर की
वो बाहर का रास्ता दिखाया दिया जाता है। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक विदेशी डांस शो की कोरियोग्राफी चोरी की। इसके बाद तो मुंबई स्टैनर के प्रमुख डांसर सुरेश और विनी को गहरा मानसिक आघात लगता है, लेकिन सुरू यानी सुरेश हिम्मत नहीं हारता। आखिर वो क्यों हारे? उसे कपिल शर्मा की कॉमेडी शो के नवजोत सिंह सिद्धू से गुरु मंत्र जो मिला है कि उसे अपना विश्वास नहीं खोना है। सो सिद्धू बाबा की वाणी से प्रेरणा लेकर शुरू और बीनी अपनी इज्जत बचाने के लिए लॉस वेगस में होने वाले डांस शो में भाग लेना चाहते हैं। उन्हें मदद मिलती है विष्णु सर से। ये लॉस वेगस पहुंचते तो है, लेकिन वहां विष्णु सर का अपना एजेंडा है। ये अचानक गायब हो जाते हैं। उसके बाद हादसे में विनी को चोट लग जाती है। ऐसे में क्या सुरू और विनी की टीम अपना सपना पूरा कर पाएगी? समझ लीजिए कि कुछ कुछ चक दी इंडिया वाली स्थिति है। जहां तक डांस और कोरियोग्राफी का सवाल है, ये एक जबरदस्त फिल्म है और 3D तकनीक की वजह से इसमें एक चमत्कार भी आ गया है। इस लिहाज से ये इस कड़ी की पहली फिल्म ABCD से कई गुना आगे की है। ना सिर्फ प्रभुदेवा बल्कि वरुण और श्रद्धा के डांस वाले दृश्य गजब की है। वैसे ये फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित है। मुंबई के नाला सोपारा की फिक्सर्स डांसर कंपनी के लॉस वेगस के डांस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। निर्देशक रेमो डिसूजा ने कहा भी है कि उन्होंने मूल घटना में ज्यादा फेर बदल नहीं किया है। उस डांस ग्रुप के एक प्रमुख सदस्य का नाम भी सुरेश है, जिसका किरदार वरुण धवन ने निभाया है। ABCD2 एक अलग तरह की प्रेरणादायी फिल्म है। अलग तरह की इसलिए कि इसका अंत थोड़ा अप्रत्याशित है। वरुण धवन ने शायद इसी फिल्म के लिए 6-pack abs बना लिए हैं, जो शायद दूसरी फिल्म में भी काम आएंगे। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी इस फिल्म में है जो खटकती है। एक तो वरुण और श्रद्धा के बीच वाला रोमांटिक पहलू अविकसित रह गया, जिसकी पूरी संभावना थी। हो सकता है कि निर्देशक ने जानबूझकर ऐसा किया हो ताकि डांस वाला पहलू पीछे ना छूट जाए। अगर इस रोमांटिक पहलू पर अधिक ध्यान दिया जाता तो फिल्म ज्यादा जज्बाती होती। तीसरी ये कि फिल्म के संवाद भी वजनदार नहीं है, इस पर अधिक काम करने की जरूरत थी। फिर भी ये फिल्म युवा वर्ग में लोकप्रिय होगी और डांस केंद्रित फिल्मों में अपनी खास जगह बनाएंगी। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी भी शानदार है और लॉस वेगस के कई दृश्य मन को लुभाने वाले हैं। प्रभुदेवा अपने चेहरे पर भावनाओं की विविधता नहीं ला पाते, लेकिन उनका दक्षिण भारतीय लहजा और डांस धमाका करने वाला है। फिल्म में कई अच्छे मजाकिया दृश्य है। रेमो का अपना एक खास तरह का सेंस ऑफ ह्यूमर है, जो प्रभुदेवा वाले दृश्य में बखूबी उभरता है। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। वरुण धवन और श्रद्धा कपूर की फिल्म ABCD2 देखने से पहले यह जाने फिल्म की कहानी, फिल्म का रिव्यू और जाने कहा देखे इस फिल्म को फ्री में। निर्देशक रेमो डिसूजा, कलाकार प्रभुदेवा, वरुण धवन, श्रद्धा कपूर, लॉरेन गोटली वगैरह नृत्य जो आजकल डांस के नाम से अधिक जाना जाता है पसंद करते हैं और 3D तकनीक के भी मुरीद है, तो ABCD2 आपको एक धमाकेदार फिल्म लगेगी। हिंदी में समकालीन डांस को लेकर कम ही फिल्में बनी है और ABCD कड़ी की पहली फिल्म आने के बाद इस तरह की फिल्मों को लेकर उत्साह बना है। हालांकि इसकी एक और बड़ी वजह TV चैनलों पर आने वाले डांस की रियलिटी शो भी है। आकस्मिक नहीं कि ABCD2 की शुरुआत भी एक डांस रियलिटी शो से ही होती है। इस शो में भाग लेने वाली टीम मुंबई स्टनर की वो बाहर का रास्ता दिखाया दिया जाता है। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक विदेशी डांस शो की कोरियोग्राफी चोरी की। इसके बाद तो मुंबई स्टनर के प्रमुख डांसर सुरेश और विनी को गहरा मानसिक आघात लगता है, लेकिन सुरू यानी सुरेश हिम्मत नहीं हारता। आखिर वो क्यों हारे? उसे कपिल शर्मा की कॉमेडी शो के नवजोत सिंह सिद्धू से गुरु मंत्र जो मिला है कि उसे अपना विश्वास नहीं खोना है। सो सिद्धू बाबा की वाणी से प्रेरणा लेकर शुरू और बीनी अपनी इज्जत बचाने के लिए लॉस वेगस में होने वाले डांस शो में भाग लेना चाहते हैं। उन्हें मदद मिलती है विष्णु सर से। ये
लॉस वेगस पहुंचते तो है, लेकिन वह विष्णु सर का अपना एजेंडा है। ये अचानक गायब हो जाते हैं। उसके बाद हादसे में विनी को चोट लग जाती है। ऐसे में क्या सुडो और विनी की टीम अपना सपना पूरा कर पाएगी? समझ लीजिए कि कुछ कुछ चक दी इंडिया वाली स्थिति है। जहां तक डांस और कोरियोग्राफी का सवाल है, ये एक जबरदस्त फिल्म है और 3D तकनीक की वजह से इसमें एक चमत्कार भी आ गया है। इस लिहाज से ये इस कड़ी की पहली फिल्म ABCD से कई गुना आगे की है। ना सिर्फ प्रभु देवा बल्कि वरुण और श्रद्धा के डांस वाले दृश्य गजब की है। वैसे ये फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित है। मुंबई के नाला सोपारा की फिक्सर्स डांसर कंपनी के लॉस वेगस के डांस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। निर्देशक रेमो डिसूजा ने कहा भी है कि उन्होंने मूल घटना में ज्यादा फेर बदल नहीं किया है। उस डांस ग्रुप के एक प्रमुख सदस्य का नाम भी सुरेश है, जिसका किरदार वरुण धवन ने निभाया है। ABCD2 एक अलग तरह की प्रेरणादायी फिल्म है। अलग तरह की इसलिए कि इसका अंत थोड़ा अप्रत्याशित है। वरुण धवन ने शायद इसी फिल्म के लिए 6-pack abs बना लिए हैं, जो शायद दूसरी फिल्म में भी काम आएंगे। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी इस फिल्म में है जो खटकती है। एक तो वरुण और श्रद्धा के बीच वाला रोमांटिक पहलू अविकसित रह गया, जिसकी पूरी संभावना थी। हो सकता है कि निर्देशक ने जानबूझकर ऐसा किया हो ताकि डांस वाला पहलू पीछे ना छूट जाए। अगर इस रोमांटिक पहलू पर अधिक ध्यान दिया जाता तो फिल्म ज्यादा जज्बाती होती। तीसरी ये कि फिल्म के संवाद भी वजनदार नहीं है, इस पर अधिक काम करने की जरूरत थी। फिर भी ये फिल्म युवा वर्ग में लोकप्रिय होगी और डांस केंद्रित फिल्मों में अपनी खास जगह बनाएंगी। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी भी शानदार है और लॉस वेगस के कई दृश्य मन को लुभाने वाले हैं। प्रभुदेवा अपने चेहरे पर भावनाओं की विविधता नहीं ला पाते, लेकिन उनका दक्षिण भारतीय लहजा और डांस धमाका करने वाला है। फिल्म में कई अच्छे मजाकिया दृश्य है। रेमो का अपना एक खास तरह का सेंस ऑफ ह्यूमर है, जो प्रभुदेवा वाले दृश्य में बखूबी उभरता है। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। वरुण धवन और श्रद्धा कपूर की फिल्म ABCD2 देखने से पहले यह जाने फिल्म की कहानी, फिल्म का रिव्यू और जाने कहां देखें इस फिल्म को फ्री में। निर्देशक रेमो डिसूजा, कलाकार प्रभुदेवा, वरुण धवन, श्रद्धा कपूर, लॉरेन गोटली वगैरह नृत्य जो आजकल डांस के नाम से अधिक जाना जाता है पसंद करते हैं और 3D तकनीक के भी मुरीद है, तो ABCD2 आपको एक धमाकेदार फिल्म लगेगी। हिंदी में समकालीन डांस को लेकर कम ही फिल्में बनी है और ABCD कड़ी की पहली फिल्म आने के बाद इस तरह की फिल्मों को लेकर उत्साह बना है। हालांकि इसकी एक और बड़ी वजह TV चैनलों पर आने वाले डांस की रियलिटी शो भी है। आकस्मिक नहीं कि ABCD2 की शुरुआत भी एक डांस रियलिटी शो से ही होती है। इस शो में भाग लेने वाली टीम मुंबई स्टनर की वो बाहर का रास्ता दिखाया दिया जाता है। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक विदेशी डांस शो की कोरियोग्राफी चोरी की। इसके बाद तो मुंबई स्टनर के प्रमुख डांसर सुरेश और विनी को गहरा मानसिक आघात लगता है, लेकिन सुरु यानी सुरेश हिम्मत नहीं हारता। आखिर वो क्यों हारे? उसे कपिल शर्मा के कॉमेडी शो के नवजोत सिंह सिंधु से गुरु मंत्र जो मिला है कि उसे अपना विश्वास नहीं खोना है। सो सिद्धू बाबा की वाणी से प्रेरणा लेकर सुरु और बीनी अपनी इज्जत बचाने के लिए लॉस वेगस में होने वाले डांस शो में भाग लेना चाहते हैं। उन्हें मदद मिलती है विष्णु सर से। ये लॉस वेगस पहुंचते तो है, लेकिन वह विष्णु सर का अपना एजेंडा है। ये अचानक गायब हो जाते हैं। उसके बाद हादसे में विनी को चोट लग जाती है। ऐसे में क्या सुडो और विनी की टीम अपना सपना पूरा कर पाएगी? समझ लीजिए कि कुछ कुछ चक दी इंडिया वाली स्थिति है। जहां तक डांस और कोरियोग्राफी का सवाल है, ये एक जबरदस्त फिल्म है और 3D तकनीक की वजह से इसमें एक चमत्कार भी आ गया है। इस लिहाज से ये इस कड़ी की पहली फिल्म ABCD से कई गुना आगे की है। ना सिर्फ प्रभु देवा बल्कि वरुण और श्रद्धा के डांस वाले दृश्य गजब की है। वैसे ये फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित है। मुंबई के नाला सोपारा की फिक्सर्स डांसर कंपनी के लॉस वेगस के डांस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था।
निर्देशक रेमो डिसूजा ने कहा भी है कि उन्होंने मूल घटना में ज्यादा फेर बदल नहीं किया है। उस डांस ग्रुप के एक प्रमुख सदस्य का नाम भी सुरेश है, जिसका किरदार वरुण धवन ने निभाया है। एबीसीडी 2 एक अलग तरह की प्रेरणादायी फिल्म है। अलग तरह की इसलिए कि इसका अंत थोड़ा अप्रत्याशित है। वरुण धवन ने शायद इसी फिल्म के लिए 6-pack abs बना लिए है, जो शायद दूसरी फिल्म में भी काम आएंगे। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी इस फिल्म में है जो खटकती है। एक तो वरुण और श्रद्धा के बीच वाला रोमांटिक पहलू अब विकसित रह गया, जिसकी पूरी संभावना थी। हो सकता है कि निर्देशक ने जानबूझकर ऐसा किया हो, ताकि डांस वाला पहलू पीछे ना छूट जाए। अगर इस रोमांटिक पहलू पर अधिक ध्यान दिया जाता तो फिल्म ज्यादा जज्बाती होती। तीसरी ये कि फिल्म के संवाद भी वजनदार नहीं है, इस पर अधिक काम करने की जरूरत थी। फिर भी ये फिल्म युवा वर्ग में लोकप्रिय होगी और डांस केंद्रित फिल्मों में अपनी खास जगह बनाएंगी। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी भी शानदार है और लास वेगस के कई दृश्य मन को लुभाने वाले हैं। प्रभुदेवा अपने चेहरे पर भावनाओं की विविधता नहीं ला पाते, लेकिन उनका दक्षिण भारतीय लहजा और डांस धमाका करने वाला है। फिल्म में कई अच्छे मजाकिया दृश्य है। रेमो का अपना एक खास तरह का सेंस ऑफ ह्यूमर है, जो प्रभुदेवा वाले दृश्य में बखूबी उभरता है। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। वरुण धवन और श्रद्धा कपूर की फिल्म ABCD 2 देखने से पहले यह जाने फिल्म की कहानी, फिल्म का रिव्यू और जाने कहां देखे इस फिल्म को फ्री में। निर्देशक रेमो डिसूजा, कलाकार प्रभुदेवा, वरुण धवन, श्रद्धा कपूर, लॉरेन गोटली वगैरह नृत्य, जो आजकल डांस के नाम से अधिक जाना जाता है, पसंद करते हैं और 3D तकनीक के भी मुरीद है, तो ABCD 2 आपको एक धमाकेदार फिल्म लगेगी। हिंदी में समकालीन डांस को लेकर कम ही फिल्में बनी है और ABCD कड़ी की पहली फिल्म आने के बाद इस तरह की फिल्मों को लेकर उत्साह बना है। हालांकि इसकी एक और बड़ी वजह टीवी चैनलों पर आने वाले डांस की रियलिटी शो भी है। आकस्मिक नहीं कि ABCD 2 की शुरुआत भी एक डांस रियलिटी शो से ही होती है। इस शो में भाग लेने वाली टीम मुंबई स्टनर की वो बाहर का रास्ता दिखाया दिया जाता है। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक विदेशी डांस शो की कोरियोग्राफी चोरी की। इसके बाद तो मुंबई स्टनर के प्रमुख डांसर सुरेश और विनी को गहरा मानसिक आघात लगता है, लेकिन शुरू यानी सुरेश हिम्मत नहीं हारता। आखिर वो क्यों हारे? उसे कपिल शर्मा की कॉमेडी शो के नवजोत सिंह सिंधु से गुरु मंत्र जो मिला है कि उसे अपना विश्वास नहीं खोना है। सो सिद्धू बाबा की वाणी से प्रेरणा लेकर शुरू और बीनी अपनी इज्जत बचाने के लिए लॉस वेगस में होने वाले डांस शो में भाग लेना चाहते हैं। उन्हें मदद मिलती है विष्णु सर से। ये लॉस वेगस पहुंचते तो है, लेकिन वहां विष्णु सर का अपना एजेंडा है। ये अचानक गायब हो जाते हैं। उसके बाद हादसे में विनी को चोट लग जाती है। ऐसे में क्या शुरू और विनी की टीम अपना सपना पूरा कर पाएगी? समझ लीजिए कि कुछ कुछ चक दी इंडिया वाली स्थिति है। जहां तक डांस और कोरियोग्राफी का सवाल है, ये एक जबरदस्त फिल्म है और 3D तकनीक की वजह से इसमें एक चमत्कार भी आ गया है। इस लिहाज से ये इस कड़ी की पहली फिल्म ABCD से कई गुना आगे की है। ना सिर्फ प्रभुदेवा बल्कि वरुण और श्रद्धा के डांस वाले दृश्य गजब की है। वैसे ये फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित है। मुंबई के नाला सोपारा की फिक्सर्स डांसर कंपनी के लॉस वेगस के डांस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। निर्देशक रेमो डिसूजा ने कहा भी है कि उन्होंने मूल घटना में ज्यादा फेर बदल नहीं किया है। उस डांस ग्रुप के एक प्रमुख सदस्य का नाम भी सुरेश है, जिसका किरदार वरुण धवन ने निभाया है। ABCD 2 एक अलग तरह की प्रेरणादायी फिल्म है। अलग तरह की इसलिए कि इसका अंत थोड़ा अप्रत्याशित है। वरुण धवन ने शायद इसी फिल्म के लिए 6-pack abs बना लिए है, जो शायद दूसरी फिल्म में भी काम आएंगे। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी इस फिल्म में है जो खटकती है। एक तो वरुण और श्रद्धा के बीच वाला रोमांटिक पहलू अब विकसित रह गया, जिसकी पूरी संभावना थी। हो सकता है कि निर्देशक ने जानबूझकर ऐसा किया हो, ताकि डांस वाला पहलू पीछे ना छूट जाए। अगर इस रोमांटिक पहलू पर अधिक ध्यान दिया जाता तो फिल्म ज्यादा
जज्बाती होती। तीसरी ये कि फिल्म के संवाद भी वजनदार नहीं है, इस पर अधिक काम करने की जरूरत थी। फिर भी ये फिल्म युवा वर्ग में लोकप्रिय होगी और डांस केंद्रित फिल्मों में अपनी खास जगह बनाएंगी। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी भी शानदार है और लास वेगस के कई दृश्य मन को लुभाने वाले हैं। प्रभुदेवा अपने चेहरे पर भावनाओं की विविधता नहीं ला पाते, लेकिन उनका दक्षिण भारतीय लहजा और डांस धमाका करने वाला है। फिल्म में कई अच्छे मजाकिया दृश्य है। रेमो का अपना एक खास तरह का सेंस ऑफ ह्यूमर है जो प्रभुदेवा वाले दृश्य में बखूबी उभरता है। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। वरुण धवन और श्रद्धा कपूर की फिल्म एबीसीडी 2 देखने से पहले यह जाने फिल्म की कहानी, फिल्म का रिव्यू और जाने कहां देखें इस फिल्म को फ्री में। निर्देशक रेमो डिसूजा, कलाकार प्रभुदेवा, वरुण धवन, श्रद्धा कपूर, लॉरेन गोटली वगैरह नृत्य जो आजकल डांस के नाम से अधिक जाना जाता है पसंद करते हैं और 3D तकनीक के भी मुरीद है, तो एबीसीडी 2 आपको एक धमाकेदार फिल्म लगेगी। हिंदी में समकालीन डांस को लेकर कम ही फिल्में बनी है और एबीसीडी कड़ी की पहली फिल्म आने के बाद इस तरह की फिल्मों को लेकर उत्साह बना है। हालांकि इसकी एक और बड़ी वजह टीवी चैनलों पर आने वाले डांस की रियलिटी शो भी है। आकस्मिक नहीं कि एबीसीडी 2 की शुरुआत भी एक डांस रियलिटी शो से ही होती है। इस शो में भाग लेने वाली टीम मुंबई स्टनर की वो बाहर का रास्ता दिखाया दिया जाता है। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक विदेशी डांस शो की कोरियोग्राफी चोरी की। इसके बाद तो मुंबई स्टनर के प्रमुख डांसर सुरेश और विनी को गहरा मानसिक आघात लगता है, लेकिन सुरु यानी सुरेश हिम्मत नहीं हारता। आखिर वो क्यों हारे? उसे कपिल शर्मा के कॉमेडी शो के नवजोत सिंह सिंधु से गुरु मंत्र जो मिला है कि उसे अपना विश्वास नहीं खोना है। सो सिद्धू बाबा की वाणी से प्रेरणा लेकर सुरु और बीनी अपनी इज्जत बचाने के लिए लॉस वेगस में होने वाले डांस शो में भाग लेना चाहते हैं। उन्हें मदद मिलती है विष्णु सर से। ये लॉस वेगस पहुंचते तो है, लेकिन वहां विष्णु सर का अपना एजेंडा है। ये अचानक गायब हो जाते हैं। उसके बाद हादसे में विनी को चोट लग जाती है। ऐसे में क्या सुरु और विनी की टीम अपना सपना पूरा कर पाएगी? समझ लीजिए कि कुछ कुछ चक दी इंडिया वाली स्थिति है। जहां तक डांस और कोरियोग्राफी का सवाल है, ये एक जबरदस्त फिल्म है और 3D तकनीक की वजह से इसमें एक चमत्कार भी आ गया है। इस लिहाज से ये इस कड़ी की पहली फिल्म एबीसीडी से कई गुना आगे की है। ना सिर्फ प्रभुदेवा बल्कि वरुण और श्रद्धा के डांस वाले दृश्य गजब की है। वैसे ये फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित है। मुंबई के नाला सोपारा की फिक्सर्स डांसर कंपनी के लॉस वेगस के डांस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। निर्देशक रेमो डिसूजा ने कहा भी है कि उन्होंने मूल घटना में ज्यादा फेर बदल नहीं किया है। उस डांस ग्रुप के एक प्रमुख सदस्य का नाम भी सुरेश है, जिसका किरदार वरुण धवन ने निभाया है। एबीसीडी 2 एक अलग तरह की प्रेरणादायी फिल्म है। अलग तरह की इसलिए कि इसका अंत थोड़ा अप्रत्याशित है। वरुण धवन ने शायद इसी फिल्म के लिए 6-pack abs बना लिए हैं, जो शायद दूसरी फिल्म में भी काम आएंगे। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी इस फिल्म में है जो खटकती है। एक तो वरुण और श्रद्धा के बीच वाला रोमांटिक पहलू अविकसित रह गया, जिसकी पूरी संभावना थी। हो सकता है कि निर्देशक ने जानबूझकर ऐसा किया हो ताकि डांस वाला पहलू पीछे ना छूट जाए। अगर इस रोमांटिक पहलू पर अधिक ध्यान दिया जाता तो फिल्म ज्यादा जज्बाती होती। तीसरी ये कि फिल्म के संवाद भी वजनदार नहीं है, इस पर अधिक काम करने की जरूरत थी। फिर भी ये फिल्म युवा वर्ग में लोकप्रिय होगी और डांस केंद्रित फिल्मों में अपनी खास जगह बनाएंगी। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी भी शानदार है और लॉस वेगस के कई दृश्य मन को लुभाने वाले हैं। प्रभुदेवा अपने चेहरे पर भावनाओं की विविधता नहीं ला पाते, लेकिन उनका दक्षिण भारतीय लहजा और डांस धमाका करने वाला है। फिल्म में कई अच्छे मजाकिया दृश्य है। रेमो का अपना एक खास तरह का सेंस ऑफ ह्यूमर है जो प्रभुदेवा वाले दृश्य में बखूबी उभरता है। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है।
तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। वरुण धवन और श्रद्धा कपूर की फिल्म एबीसीडी 2 देखने से पहले यह जाने फिल्म की कहानी, फिल्म का रिव्यू और जाने कहा देखे इस फिल्म को फ्री में। निर्देशक रेमो डिसूजा, कलाकार प्रभुदेवा, वरुण धवन, श्रद्धा कपूर, लॉरेन गोटली वगैरह नृत्य जो आजकल डांस के नाम से अधिक जाना जाता है पसंद करते हैं और 3D तकनीक के भी मुरीद है तो एबीसीडी 2 आपको एक धमाकेदार फिल्म लगेगी। हिंदी में समकालीन डांस को लेकर कम ही फिल्में बनी है और एबीसीडी कड़ी की पहली फिल्म आने के बाद इस तरह की फिल्मों को लेकर उत्साह बना है। हालांकि इसकी एक और बड़ी वजह टीवी चैनलों पर आने वाले डांस की रियलिटी शो भी है। आकस्मिक नहीं कि एबीसीडी 2 की शुरुआत भी एक डांस रियलिटी शो से ही होती है। इस शो में भाग लेने वाली टीम मुंबई स्टनर की वो बाहर का रास्ता दिखाया दिया जाता है। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक विदेशी डांस शो की कोरियोग्राफी चोरी की। इसके बाद तो मुंबई स्टनर के प्रमुख डांसर सुरेश और विनी को गहरा मानसिक आघात लगता है, लेकिन शुरू यानी सुरेश हिम्मत नहीं हारता। आखिर वो क्यों हारे? उसे कपिल शर्मा के कॉमेडी शो के नवजोत सिंह सिंधु से गुरु मंत्र जो मिला है कि उसे अपना विश्वास नहीं खोना है। सो सिद्धू बाबा की वाणी से प्रेरणा लेकर शुरू और बीनी अपनी इज्जत बचाने के लिए लॉस वेगस में होने वाले डांस शो में भाग लेना चाहते हैं। उन्हें मदद मिलती है विष्णु सर से। ये लॉस वेगस पहुंचते तो है लेकिन वहां विष्णु सर का अपना एजेंडा है। ये अचानक गायब हो जाते हैं। उसके बाद हादसे में विनी को चोट लग जाती है। ऐसे में क्या सुरू और विनी की टीम अपना सपना पूरा कर पाएगी? समझ लीजिए कि कुछ कुछ चक दी इंडिया वाली स्थिति है। जहां तक डांस और कोरियोग्राफी का सवाल है, ये एक जबरदस्त फिल्म है और 3D तकनीक की वजह से इसमें एक चमत्कार भी आ गया है। इस लिहाज से ये इस कड़ी की पहली फिल्म एबीसीडी से कई गुना आगे की है। ना सिर्फ प्रभुदेवा बल्कि वरुण और श्रद्धा के डांस वाले दृश्य गजब की है। वैसे ये फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित है। मुंबई के नाला सोपारा की फिक्सर्स डांसर कंपनी के लॉस वेगस के डांस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। निर्देशक रेमो डिसूजा ने कहा भी है कि उन्होंने मूल घटना में ज्यादा फेर बदल नहीं किया है। उस डांस ग्रुप के एक प्रमुख सदस्य का नाम भी सुरेश है जिसका किरदार वरुण धवन ने निभाया है। एबीसीडी 2 एक अलग तरह की प्रेरणादायी फिल्म है। अलग तरह की इसलिए कि इसका अंत थोड़ा अप्रत्याशित है। वरुण धवन ने शायद इसी फिल्म के लिए 6-pack abs बना लिए हैं जो शायद दूसरी फिल्म में भी काम आएंगे, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी इस फिल्म में है जो खटकती है। एक तो वरुण और श्रद्धा के बीच वाला रोमांटिक पहलू अविकसित रह गया जिसकी पूरी संभावना थी। हो सकता है कि निर्देशक ने जानबूझकर ऐसा किया हो ताकि डांस वाला पहलू पीछे ना छूट जाए। अगर इस रोमांटिक पहलू पर अधिक ध्यान दिया जाता तो फिल्म ज्यादा जज्बाती होती। तीसरी ये कि फिल्म के संवाद भी वजनदार नहीं है, इस पर अधिक काम करने की जरूरत थी। फिर भी ये फिल्म युवा वर्ग में लोकप्रिय होगी और डांस केंद्रित फिल्मों में अपनी खास जगह बनाएंगी। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी भी शानदार है और लॉस वेगस के कई दृश्य मन को लुभाने वाले हैं। प्रभुदेवा अपने चेहरे पर भावनाओं की विविधता नहीं ला पाते, लेकिन उनका दक्षिण भारतीय लहजा और डांस धमाका करने वाला है। फिल्म में कई अच्छे मजाकिया दृश्य है। रेमो का अपना एक खास तरह का सेंस ऑफ ह्यूमर है जो प्रभुदेवा वाले दृश्य में बखूबी उभरता है। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। वरुण धवन और श्रद्धा कपूर की फिल्म एबीसीडी 2 देखने से पहले यह जाने फिल्म की कहानी, फिल्म का रिव्यू और जाने कहा देखे इस फिल्म को फ्री में। निर्देशक रेमो डिसूजा, कलाकार प्रभुदेवा, वरुण धवन, श्रद्धा कपूर, लॉरेन गोटली वगैरह नृत्य जो आजकल डांस के नाम से अधिक जाना जाता है पसंद करते हैं और 3D तकनीक के भी मुरीद है तो एबीसीडी 2 आपको एक धमाकेदार फिल्म लगेगी। हिंदी में समकालीन डांस को लेकर कम ही फिल्में बनी है और एबीसीडी कड़ी की पहली फिल्म आने के बाद इस तरह की फिल्मों को लेकर उत्साह बना है। हालांकि इसकी एक और बड़ी वजह टीवी चैनलों पर आने वाले डांस की रियलिटी शो भी है।
आकस्मिक नहीं कि एबीसीडी 2 की शुरुआत भी एक डांस रियलिटी शो से ही होती है। इस शो में भाग लेने वाली टीम मुंबई स्टनर की वो बाहर का रास्ता दिखाया दिया जाता है। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक विदेशी डांस शो की कोरियोग्राफी चोरी की। इसके बाद तो मुंबई स्टनर के प्रमुख डांसर सुरेश और विनी को गहरा मानसिक आघात लगता है, लेकिन सुरू यानी सुरेश हिम्मत नहीं हारता। आखिर वो क्यों हारे? उसे कपिल शर्मा की कॉमेडी शो के नवजोत सिंह सिंधु से गुरु मंत्र जो मिला है कि उसे अपना विश्वास नहीं खोना है। सो सिद्धू बाबा की वाणी से प्रेरणा लेकर शुरू और बीनी अपनी इज्जत बचाने के लिए लॉस वेगस में होने वाले डांस शो में भाग लेना चाहते हैं। उन्हें मदद मिलती है विष्णु सर से। ये लॉस वेगस पहुंचते तो है, लेकिन वहां विष्णु सर का अपना एजेंडा है। ये अचानक गायब हो जाते हैं। उसके बाद हादसे में विनी को चोट लग जाती है। ऐसे में क्या सुरू और विनी की टीम अपना सपना पूरा कर पाएगी? समझ लीजिए कि कुछ कुछ चक दी इंडिया वाली स्थिति है। जहां तक डांस और कोरियोग्राफी का सवाल है, ये एक जबरदस्त फिल्म है और 3D तकनीक की वजह से इसमें एक चमत्कार भी आ गया है। इस लिहाज से ये इस कड़ी की पहली फिल्म ABCD से कई गुना आगे की है। ना सिर्फ प्रभुदेवा बल्कि वरुण और श्रद्धा के डांस वाले दृश्य गजब की है। वैसे ये फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित है। मुंबई के नाला सोपारा की फिक्सर्स डांसर कंपनी के लॉस वेगस के डांस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। निर्देशक रेमो डिसूजा ने कहा भी है कि उन्होंने मूल घटना में ज्यादा फेर बदल नहीं किया है। उस डांस ग्रुप के एक प्रमुख सदस्य का नाम भी सुरेश है, जिसका किरदार वरुण धवन ने निभाया है। ABCD 2 एक अलग तरह की प्रेरणादायी फिल्म है। अलग तरह की इसलिए कि इसका अंत थोड़ा अप्रत्याशित है। वरुण धवन ने शायद इसी फिल्म के लिए 6-pack abs बना लिए हैं, जो शायद दूसरी फिल्म में भी काम आएंगे। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी इस फिल्म में है जो खटकती है। एक तो वरुण और श्रद्धा के बीच वाला रोमांटिक पहलू अविकसित रह गया, जिसकी पूरी संभावना थी। हो सकता है कि निर्देशक ने जानबूझकर ऐसा किया हो ताकि डांस वाला पहलू पीछे ना छूट जाए। अगर इस रोमांटिक पहलू पर अधिक ध्यान दिया जाता तो फिल्म ज्यादा जज्बाती होती। तीसरी ये कि फिल्म के संवाद भी वजनदार नहीं है, इस पर अधिक काम करने की जरूरत थी। फिर भी ये फिल्म युवा वर्ग में लोकप्रिय होगी और डांस केंद्रित फिल्मों में अपनी खास जगह बनाएंगी। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी भी शानदार है और लॉस वेगस के कई दृश्य मन को लुभाने वाले हैं। प्रभुदेवा अपने चेहरे पर भावनाओं की विविधता नहीं ला पाते, लेकिन उनका दक्षिण भारतीय लहजा और डांस धमाका करने वाला है। फिल्म में कई अच्छे मजाकिया दृश्य है। रेमो का अपना एक खास तरह का सेंस ऑफ ह्यूमर है, जो प्रभुदेवा वाले दृश्य में बखूबी उभरता है। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। वरुण धवन और श्रद्धा कपूर की फिल्म ABCD 2 देखने से पहले यह जाने फिल्म की कहानी, फिल्म का रिव्यू और जाने कहां देखें इस फिल्म को फ्री में। निर्देशक रेमो डिसूजा, कलाकार प्रभुदेवा, वरुण धवन, श्रद्धा कपूर, लॉरेन गोटली वगैरह नृत्य जो आजकल डांस के नाम से अधिक जाना जाता है पसंद करते हैं और 3D तकनीक के भी मुरीद है, तो ABCD 2 आपको एक धमाकेदार फिल्म लगेगी। हिंदी में समकालीन डांस को लेकर कम ही फिल्में बनी है और ABCD कड़ी की पहली फिल्म आने के बाद इस तरह की फिल्मों को लेकर उत्साह बना है। हालांकि इसकी एक और बड़ी वजह टीवी चैनलों पर आने वाले डांस की रियलिटी शो भी है। आकस्मिक नहीं कि ABCD 2 की शुरुआत भी एक डांस रियलिटी शो से ही होती है। इस शो में भाग लेने वाली टीम मुंबई स्टनर की वो बाहर का रास्ता दिखाया दिया जाता है। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक विदेशी डांस शो की कोरियोग्राफी चोरी की। इसके बाद तो मुंबई स्टनर के प्रमुख डांसर सुरेश और विनी को गहरा मानसिक आघात लगता है, लेकिन सुरू यानी सुरेश हिम्मत नहीं हारता। आखिर वो क्यों हारे? उसे कपिल शर्मा की कॉमेडी शो के नवजोत सिंह सिंधु से गुरु मंत्र जो मिला है कि उसे अपना विश्वास नहीं खोना है। सो सिद्धू बाबा की वाणी से प्रेरणा लेकर शुरू और
बीनी अपनी इज्जत बचाने के लिए लास वेगस में होने वाले डांस शो में भाग लेना चाहते हैं। उन्हें मदद मिलती है विष्णु सर से। ये लास वेगस पहुंचते तो है, लेकिन वहां विष्णु सर का अपना एजेंडा है। ये अचानक गायब हो जाते हैं। उसके बाद हादसे में विनी को चोट लग जाती है। ऐसे में क्या सुडू और विनी की टीम अपना सपना पूरा कर पाएगी? समझ लीजिए कि कुछ कुछ चक दी इंडिया वाली स्थिति है। जहां तक डांस और कोरियोग्राफी का सवाल है, ये एक जबरदस्त फिल्म है और 3D तकनीक की वजह से इसमें एक चमत्कार भी आ गया है। इस लिहाज से ये इस कड़ी की पहली फिल्म ABCD से कई गुना आगे की है। ना सिर्फ प्रभुदेवा बल्कि वरुण और श्रद्धा के डांस वाले दृश्य गजब की है। वैसे ये फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित है। मुंबई के नाला सोपारा की फिक्सर्स डांसर कंपनी के लॉस वेगस के डांस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। निर्देशक रेमो डिसूजा ने कहा भी है कि उन्होंने मूल घटना में ज्यादा फेर बदल नहीं किया है। उस डांस ग्रुप के एक प्रमुख सदस्य का नाम भी सुरेश है, जिसका किरदार वरुण धवन ने निभाया है। ABCD2 एक अलग तरह की प्रेरणादायी फिल्म है। अलग तरह की इसलिए कि इसका अंत थोड़ा अप्रत्याशित है। वरुण धवन ने शायद इसी फिल्म के लिए 6-pack abs बना लिए हैं, जो शायद दूसरी फिल्म में भी काम आएंगे। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी इस फिल्म में है जो खटकती है। एक तो वरुण और श्रद्धा के बीच वाला रोमांटिक पहलू अविकसित रह गया, जिसकी पूरी संभावना थी। हो सकता है कि निर्देशक ने जानबूझकर ऐसा किया हो ताकि डांस वाला पहलू पीछे ना छूट जाए। अगर इस रोमांटिक पहलू पर अधिक ध्यान दिया जाता तो फिल्म ज्यादा जज्बाती होती। तीसरी ये कि फिल्म के संवाद भी वजनदार नहीं है, इस पर अधिक काम करने की जरूरत थी। फिर भी ये फिल्म युवा वर्ग में लोकप्रिय होगी और डांस केंद्रित फिल्मों में अपनी खास जगह बनाएंगी। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी भी शानदार है और लॉस वेगस के कई दृश्य मन को लुभाने वाले हैं। प्रभुदेवा अपने चेहरे पर भावनाओं की विविधता नहीं ला पाते, लेकिन उनका दक्षिण भारतीय लहजा और डांस धमाका करने वाला है। फिल्म में कई अच्छे मजाकिया दृश्य है। रेमो का अपना एक खास तरह का सेंस ऑफ ह्यूमर है, जो प्रभुदेवा वाले दृश्य में बखूबी उभरता है। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। वरुण धवन और श्रद्धा कपूर की फिल्म ABCD2 देखने से पहले यह जाने फिल्म की कहानी, फिल्म का रिव्यू और जाने कहां देखे इस फिल्म को फ्री में। निर्देशक रेमो डिसूजा, कलाकार प्रभुदेवा, वरुण धवन, श्रद्धा कपूर, लॉरेन गोटली वगैरह नृत्य जो आजकल डांस के नाम से अधिक जाना जाता है पसंद करते हैं और 3D तकनीक के भी मुरीद है, तो ABCD2 आपको एक धमाकेदार फिल्म लगेगी। हिंदी में समकालीन डांस को लेकर कम ही फिल्में बनी है और ABCD कड़ी की पहली फिल्म आने के बाद इस तरह की फिल्मों को लेकर उत्साह बना है। हालांकि इसकी एक और बड़ी वजह टीवी चैनलों पर आने वाले डांस की रियलिटी शो भी है। आकस्मिक नहीं कि ABCD2 की शुरुआत भी एक डांस रियलिटी शो से ही होती है। इस शो में भाग लेने वाली टीम मुंबई स्टनर की वो बाहर का रास्ता दिखाया दिया जाता है। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक विदेशी डांस शो की कोरियोग्राफी चोरी की। इसके बाद तो मुंबई स्टनर के प्रमुख डांसर सुरेश और विनी को गहरा मानसिक आघात लगता है, लेकिन सुडू यानी सुरेश हिम्मत नहीं हारता। आखिर वो क्यों हारे? उसे कपिल शर्मा की कॉमेडी शो के नवजोत सिंह सिंधु से गुरु मंत्र जो मिला है कि उसे अपना विश्वास नहीं खोना है। सो सिद्धू बाबा की वाणी से प्रेरणा लेकर सुडू और बीनी अपनी इज्जत बचाने के लिए लॉस वेगस में होने वाले डांस शो में भाग लेना चाहते हैं। उन्हें मदद मिलती है विष्णु सर से। ये लॉस वेगस पहुंचते तो है, लेकिन वहां विष्णु सर का अपना एजेंडा है। ये अचानक गायब हो जाते हैं। उसके बाद हादसे में विनी को चोट लग जाती है। ऐसे में क्या सुडू और विनी की टीम अपना सपना पूरा कर पाएगी? समझ लीजिए कि कुछ कुछ चक दी इंडिया वाली स्थिति है। जहां तक डांस और कोरियोग्राफी का सवाल है, ये एक जबरदस्त फिल्म है और 3D तकनीक की वजह से इसमें एक चमत्कार भी आ गया है। इस लिहाज से ये इस कड़ी की पहली फिल्म ABCD से कई गुना आगे की है। ना सिर्फ प्रभुदेवा बल्कि वरुण और श्रद्धा के डांस वाले दृश्य गजब की है। वैसे ये फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित है।
मुंबई के नाला सोपारा की फिक्सर्स डांसर कंपनी के लॉस वेगस के डांस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। निर्देशक रेमो डिसूजा ने कहा भी है कि उन्होंने मूल घटना में ज्यादा फेर बदल नहीं किया है। उस डांस ग्रुप के एक प्रमुख सदस्य का नाम भी सुरेश है, जिसका किरदार वरुण धवन ने निभाया है। एबीसीडी 2 एक अलग तरह की प्रेरणादायी फिल्म है। अलग तरह की इसलिए कि इसका अंत थोड़ा अप्रत्याशित है। वरुण धवन ने शायद इसी फिल्म के लिए 6-pack abs बना लिए हैं, जो शायद दूसरी फिल्म में भी काम आएंगे। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी इस फिल्म में है जो खटकती है। एक तो वरुण और श्रद्धा के बीच वाला रोमांटिक पहलू अब विकसित रह गया, जिसकी पूरी संभावना थी। हो सकता है कि निर्देशक ने जानबूझकर ऐसा किया हो, ताकि डांस वाला पहलू पीछे ना छूट जाए। अगर इस रोमांटिक पहलू पर अधिक ध्यान दिया जाता तो फिल्म ज्यादा जज्बाती होती। तीसरी ये कि फिल्म के संवाद भी वजनदार नहीं है, इस पर अधिक काम करने की जरूरत थी। फिर भी ये फिल्म युवा वर्ग में लोकप्रिय होगी और डांस केंद्रित फिल्मों में अपनी खास जगह बनाएंगी। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी भी शानदार है और लॉस वेगस के कई दृश्य मन को लुभाने वाले हैं। प्रभुदेवा अपने चेहरे पर भावनाओं की विविधता नहीं ला पाते, लेकिन उनका दक्षिण भारतीय लहजा और डांस धमाका करने वाला है। फिल्म में कई अच्छे मजाकिया दृश्य है। रेमो का अपना एक खास तरह का सेंस ऑफ ह्यूमर है, जो प्रभुदेवा वाले दृश्य में बखूबी उभरता है। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। वरुण धवन और श्रद्धा कपूर की फिल्म ABCD 2 देखने से पहले यह जाने फिल्म की कहानी, फिल्म का रिव्यू और जाने कहां देखें इस फिल्म को फ्री में। निर्देशक रेमो डिसूजा, कलाकार प्रभुदेवा, वरुण धवन, श्रद्धा कपूर, लॉरेन गोटली वगैरह नृत्य, जो आजकल डांस के नाम से अधिक जाना जाता है, पसंद करते हैं और 3D तकनीक के भी मुरीद है, तो ABCD 2 आपको एक धमाकेदार फिल्म लगेगी। हिंदी में समकालीन डांस को लेकर कम ही फिल्में बनी है और ABCD कड़ी की पहली फिल्म आने के बाद इस तरह की फिल्मों को लेकर उत्साह बना है। हालांकि इसकी एक और बड़ी वजह टीवी चैनलों पर आने वाले डांस की रियलिटी शो भी है। आकस्मिक नहीं कि ABCD 2 की शुरुआत भी एक डांस रियलिटी शो से ही होती है। इस शो में भाग लेने वाली टीम मुंबई स्टनर की वो बाहर का रास्ता दिखाया दिया जाता है। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक विदेशी डांस शो की कोरियोग्राफी चोरी की। इसके बाद तो मुंबई स्टनर के प्रमुख डांसर सुरेश और विनी को गहरा मानसिक आघात लगता है, लेकिन सुरु यानी सुरेश हिम्मत नहीं हारता। आखिर वो क्यों हारे? उसे कपिल शर्मा के कॉमेडी शो के नवजोत सिंह सिंधु से गुरु मंत्र जो मिला है कि उसे अपना विश्वास नहीं खोना है। सो सिद्धू बाबा की वाणी से प्रेरणा लेकर सुरु और बीनी अपनी इज्जत बचाने के लिए लॉस वेगस में होने वाले डांस शो में भाग लेना चाहते हैं। उन्हें मदद मिलती है विष्णु सर से। ये लॉस वेगस पहुंचते तो है, लेकिन वहां विष्णु सर का अपना एजेंडा है। ये अचानक गायब हो जाते हैं। उसके बाद हादसे में विनी को चोट लग जाती है। ऐसे में क्या सुरु और विनी की टीम अपना सपना पूरा कर पाएगी? समझ लीजिए कि कुछ कुछ चक दी इंडिया वाली स्थिति है। जहां तक डांस और कोरियोग्राफी का सवाल है, ये एक जबरदस्त फिल्म है और 3D तकनीक की वजह से इसमें एक चमत्कार भी आ गया है। इस लिहाज से ये इस कड़ी की पहली फिल्म ABCD से कई गुना आगे की है। ना सिर्फ प्रभुदेवा बल्कि वरुण और श्रद्धा के डांस वाले दृश्य गजब की है। वैसे ये फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित है। मुंबई के नाला सोपारा की फिक्सर्स डांसर कंपनी के लॉस वेगस के डांस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। निर्देशक रेमो डिसूजा ने कहा भी है कि उन्होंने मूल घटना में ज्यादा फेर बदल नहीं किया है। उस डांस ग्रुप के एक प्रमुख सदस्य का नाम भी सुरेश है, जिसका किरदार वरुण धवन ने निभाया है। ABCD 2 एक अलग तरह की प्रेरणादायी फिल्म है। अलग तरह की इसलिए कि इसका अंत थोड़ा अप्रत्याशित है। वरुण धवन ने शायद इसी फिल्म के लिए 6-pack abs बना लिए हैं, जो शायद दूसरी फिल्म में भी काम आएंगे। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी इस फिल्म में है जो खटकती है। एक तो वरुण और श्रद्धा के बीच वाला रोमांटिक पहलू अब विकसित रह गया, जिसकी पूरी संभावना थी।
हो सकता है कि निर्देशक ने जानबूझकर ऐसा किया हो ताकि डांस वाला पहलू पीछे ना छूट जाए। अगर इस रोमांटिक पहलू पर अधिक ध्यान दिया जाता तो फिल्म ज्यादा जज्बाती होती। तीसरी ये कि फिल्म के संवाद भी वजनदार नहीं है, इस पर अधिक काम करने की जरूरत थी। फिर भी ये फिल्म युवा वर्ग में लोकप्रिय होगी और डांस केंद्रित फिल्मों में अपनी खास जगह बनाएंगी। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी भी शानदार है और लास वेगस के कई दृश्य मन को लुभाने वाले हैं। प्रभुदेवा अपने चेहरे पर भावनाओं की विविधता नहीं ला पाते, लेकिन उनका दक्षिण भारतीय लहजा और डांस धमाका करने वाला है। फिल्म में कई अच्छे मजाकिया दृश्य है। रेमो का अपना एक खास तरह का सेंस ऑफ ह्यूमर है जो प्रभुदेवा वाले दृश्य में बखूबी उभरता है। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। वरुण धवन और श्रद्धा कपूर की फिल्म ABCD2 देखने से पहले यह जाने फिल्म की कहानी, फिल्म का रिव्यू और जाने कहा देखे इस फिल्म को फ्री में। निर्देशक रेमो डिसूजा, कलाकार प्रभुदेवा, वरुण धवन, श्रद्धा कपूर, लॉरेन गोटली वगैरह नृत्य जो आजकल डांस के नाम से अधिक जाना जाता है पसंद करते हैं और 3D तकनीक के भी मुरीद है, तो ABCD2 आपको एक धमाकेदार फिल्म लगेगी। हिंदी में समकालीन डांस को लेकर कम ही फिल्में बनी है और ABCD कड़ी की पहली फिल्म आने के बाद इस तरह की फिल्मों को लेकर उत्साह बना है। हालांकि इसकी एक और बड़ी वजह टीवी चैनलों पर आने वाले डांस की रियलिटी शो भी है। आकस्मिक नहीं कि ABCD2 की शुरुआत भी एक डांस रियलिटी शो से ही होती है। इस शो में भाग लेने वाली टीम मुंबई स्टनर की वो बाहर का रास्ता दिखाया दिया जाता है। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक विदेशी डांस शो की कोरियोग्राफी चोरी की। इसके बाद तो मुंबई स्टनर के प्रमुख डांसर सुरेश और विनी को गहरा मानसिक आघात लगता है, लेकिन शुरू यानी सुरेश हिम्मत नहीं हारता। आखिर वो क्यों हारे? उसे कपिल शर्मा के कॉमेडी शो के नवजोत सिंह सिंधु से गुरु मंत्र जो मिला है कि उसे अपना विश्वास नहीं खोना है। सो सिद्धू बाबा की वाणी से प्रेरणा लेकर शुरू और बीनी अपनी इज्जत बचाने के लिए लॉस वेगस में होने वाले डांस शो में भाग लेना चाहते हैं। उन्हें मदद मिलती है विष्णु सर से। ये लॉस वेगस पहुंचते तो है, लेकिन वहां विष्णु सर का अपना एजेंडा है। ये अचानक गायब हो जाते हैं। उसके बाद हादसे में विनी को चोट लग जाती है। ऐसे में क्या सुरु और विनी की टीम अपना सपना पूरा कर पाएगी? समझ लीजिए कि कुछ कुछ चक दी इंडिया वाली स्थिति है। जहां तक डांस और कोरियोग्राफी का सवाल है, ये एक जबरदस्त फिल्म है और 3D तकनीक की वजह से इसमें एक चमत्कार भी आ गया है। इस लिहाज से ये इस कड़ी की पहली फिल्म ABCD से कई गुना आगे की है। ना सिर्फ प्रभुदेवा बल्कि वरुण और श्रद्धा के डांस वाले दृश्य गजब की है। वैसे ये फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित है। मुंबई के नाला सोपारा की फिक्सर्स डांसर कंपनी के लॉस वेगस के डांस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। निर्देशक रेमो डिसूजा ने कहा भी है कि उन्होंने मूल घटना में ज्यादा फेर बदल नहीं किया है। उस डांस ग्रुप के एक प्रमुख सदस्य का नाम भी सुरेश है, जिसका किरदार वरुण धवन ने निभाया है। ABCD2 एक अलग तरह की प्रेरणादायी फिल्म है। अलग तरह की इसलिए कि इसका अंत थोड़ा अप्रत्याशित है। वरुण धवन ने शायद इसी फिल्म के लिए 6-pack abs बना लिए हैं, जो शायद दूसरी फिल्म में भी काम आएंगे। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी इस फिल्म में है जो खटकती है। एक तो वरुण और श्रद्धा के बीच वाला रोमांटिक पहलू अविकसित रह गया, जिसकी पूरी संभावना थी। हो सकता है कि निर्देशक ने जानबूझकर ऐसा किया हो ताकि डांस वाला पहलू पीछे ना छूट जाए। अगर इस रोमांटिक पहलू पर अधिक ध्यान दिया जाता तो फिल्म ज्यादा जज्बाती होती। तीसरी ये कि फिल्म के संवाद भी वजनदार नहीं है, इस पर अधिक काम करने की जरूरत थी। फिर भी ये फिल्म युवा वर्ग में लोकप्रिय होगी और डांस केंद्रित फिल्मों में अपनी खास जगह बनाएंगी। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी भी शानदार है और लॉस वेगस के कई दृश्य मन को लुभाने वाले हैं। प्रभुदेवा अपने चेहरे पर भावनाओं की विविधता नहीं ला पाते, लेकिन उनका दक्षिण भारतीय लहजा और डांस धमाका करने वाला है। फिल्म में कई अच्छे मजाकिया दृश्य है। रेमो का अपना एक खास तरह का सेंस ऑफ ह्यूमर है जो प्रभुदेवा वाले दृश्य में बखूबी उभरता है।
अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। वरुण धवन और श्रद्धा कपूर की फिल्म एबीसीडी 2 देखने से पहले यह जाने फिल्म की कहानी, फिल्म का रिव्यू और जाने कहा देखे इस फिल्म को फ्री में। निर्देशक रेमो डिसूजा, कलाकार प्रभुदेवा, वरुण धवन, श्रद्धा कपूर, लॉरेन गोटली वगैरह नृत्य जो आजकल डांस के नाम से अधिक जाना जाता है पसंद करते हैं और 3D तकनीक के भी मुरीद है, तो एबीसीडी 2 आपको एक धमाकेदार फिल्म लगेगी। हिंदी में समकालीन डांस को लेकर कम ही फिल्में बनी है और एबीसीडी कड़ी की पहली फिल्म आने के बाद इस तरह की फिल्मों को लेकर उत्साह बना है। हालांकि इसकी एक और बड़ी वजह टीवी चैनलों पर आने वाले डांस की रियलिटी शो भी है। आकस्मिक नहीं कि एबीसीडी 2 की शुरुआत भी एक डांस रियलिटी शो से ही होती है। इस शो में भाग लेने वाली टीम मुंबई स्टनर की वो बाहर का रास्ता दिखाया दिया जाता है। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक विदेशी डांस शो की कोरियोग्राफी चोरी की। इसके बाद तो मुंबई स्टनर के प्रमुख डांसर सुरेश और विनी को गहरा मानसिक आघात लगता है, लेकिन शुरू यानी सुरेश हिम्मत नहीं हारता। आखिर वो क्यों हारे? उसे कपिल शर्मा की कॉमेडी शो के नवजोत सिंह सिंधु से गुरु मंत्र जो मिला है कि उसे अपना विश्वास नहीं खोना है। सो सिद्धू बाबा की वाणी से प्रेरणा लेकर शुरू और बीनी अपनी इज्जत बचाने के लिए लॉस वेगस में होने वाले डांस शो में भाग लेना चाहते हैं। उन्हें मदद मिलती है विष्णु सर से। ये लॉस वेगस पहुंचते तो है, लेकिन वहां विष्णु सर का अपना एजेंडा है। ये अचानक गायब हो जाते हैं। उसके बाद हादसे में विनी को चोट लग जाती है। ऐसे में क्या सुरु और विनी की टीम अपना सपना पूरा कर पाएगी? समझ लीजिए कि कुछ कुछ चक दी इंडिया वाली स्थिति है। जहां तक डांस और कोरियोग्राफी का सवाल है, ये एक जबरदस्त फिल्म है और 3D तकनीक की वजह से इसमें एक चमत्कार भी आ गया है। इस लिहाज से ये इस कड़ी की पहली फिल्म एबीसीडी से कई गुना आगे की है। ना सिर्फ प्रभु देवा बल्कि वरुण और श्रद्धा के डांस वाले दृश्य गजब की है। वैसे ये फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित है। मुंबई के नाला सोपारा की फिक्सर्स डांसर कंपनी के लॉस वेगस के डांस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। निर्देशक रेमो डिसूजा ने कहा भी है कि उन्होंने मूल घटना में ज्यादा फेर बदल नहीं किया है। उस डांस ग्रुप के एक प्रमुख सदस्य का नाम भी सुरेश है, जिसका किरदार वरुण धवन ने निभाया है। एबीसीडी 2 एक अलग तरह की प्रेरणादायी फिल्म है। अलग तरह की इसलिए कि इसका अंत थोड़ा अप्रत्याशित है। वरुण धवन ने शायद इसी फिल्म के लिए 6-pack abs बना लिए हैं, जो शायद दूसरी फिल्म में भी काम आएंगे। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी इस फिल्म में है जो खटकती है। एक तो वरुण और श्रद्धा के बीच वाला रोमांटिक पहलू अविकसित रह गया, जिसकी पूरी संभावना थी। हो सकता है कि निर्देशक ने जानबूझकर ऐसा किया हो ताकि डांस वाला पहलू पीछे ना छूट जाए। अगर इस रोमांटिक पहलू पर अधिक ध्यान दिया जाता तो फिल्म ज्यादा जज्बाती होती। तीसरी ये कि फिल्म के संवाद भी वजनदार नहीं है, इस पर अधिक काम करने की जरूरत थी। फिर भी ये फिल्म युवा वर्ग में लोकप्रिय होगी और डांस केंद्रित फिल्मों में अपनी खास जगह बनाएंगी। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी भी शानदार है और लॉस वेगस के कई दृश्य मन को लुभाने वाले हैं। प्रभुदेवा अपने चेहरे पर भावनाओं की विविधता नहीं ला पाते, लेकिन उनका दक्षिण भारतीय लहजा और डांस धमाका करने वाला है। फिल्म में कई अच्छे मजाकिया दृश्य है। रेमो का अपना एक खास तरह का सेंस ऑफ ह्यूमर है, जो प्रभुदेवा वाले दृश्य में बखूबी उभरता है। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। वरुण धवन और श्रद्धा कपूर की फिल्म एबीसीडी 2 देखने से पहले यह जाने फिल्म की कहानी, फिल्म का रिव्यू और जाने कहा देखे इस फिल्म को फ्री में। निर्देशक रेमो डिसूजा, कलाकार प्रभुदेवा, वरुण धवन, श्रद्धा कपूर, लॉरेन गोटली वगैरह नृत्य जो आजकल डांस के नाम से अधिक जाना जाता है पसंद करते हैं और 3D तकनीक के भी मुरीद है, तो एबीसीडी 2 आपको एक धमाकेदार फिल्म लगेगी। हिंदी में समकालीन डांस को लेकर कम ही फिल्में बनी है और एबीसीडी कड़ी की पहली फिल्म आने के बाद इस तरह की फिल्मों को लेकर उत्साह बना है।
हालांकि इसकी एक और बड़ी वजह टीवी चैनलों पर आने वाले डांस की रियलिटी शो भी है। आकस्मिक नहीं कि ABCD2 की शुरुआत भी एक डांस रियलिटी शो से ही होती है। इस शो में भाग लेने वाली टीम मुंबई स्टनर की वो बाहर का रास्ता दिखाया दिया जाता है। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक विदेशी डांस शो की कोरियोग्राफी चोरी की। इसके बाद तो मुंबई स्टनर के प्रमुख डांसर सुरेश और विनी को गहरा मानसिक आघात लगता है, लेकिन सुरु यानी सुरेश हिम्मत नहीं हारता। आखिर वो क्यों हारे, उसे कपिल शर्मा की कॉमेडी शो के नवजोत सिंह सिंधु से गुरु मंत्र जो मिला है कि उसे अपना विश्वास नहीं खोना है। सो सिद्धू बाबा की वाणी से प्रेरणा लेकर शुरू और बीनी अपनी इज्जत बचाने के लिए लॉस वेगस में होने वाले डांस शो में भाग लेना चाहते हैं। उन्हें मदद मिलती है विष्णु सर से। ये लॉस वेगस पहुंचते तो है, लेकिन वहां विष्णु सर का अपना एजेंडा है। ये अचानक गायब हो जाते हैं। उसके बाद हादसे में विनी को चोट लग जाती है। ऐसे में क्या सुरु और विनी की टीम अपना सपना पूरा कर पाएगी? समझ लीजिए कि कुछ कुछ चक दी इंडिया वाली स्थिति है। जहां तक डांस और कोरियोग्राफी का सवाल है, ये एक जबरदस्त फिल्म है और 3D तकनीक की वजह से इसमें एक चमत्कार भी आ गया है। इस लिहाज से ये इस कड़ी की पहली फिल्म ABCD से कई गुना आगे की है। ना सिर्फ प्रभुदेवा बल्कि वरुण और श्रद्धा के डांस वाले दृश्य गजब की है। वैसे ये फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित है। मुंबई के नाला सोपारा की फिक्सर्स डांसर कंपनी के लॉस वेगस के डांस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। निर्देशक रेमो डिसूजा ने कहा भी है कि उन्होंने मूल घटना में ज्यादा फेर बदल नहीं किया है। उस डांस ग्रुप के एक प्रमुख सदस्य का नाम भी सुरेश है, जिसका किरदार वरुण धवन ने निभाया है। ABCD2 एक अलग तरह की प्रेरणादायी फिल्म है। अलग तरह की इसलिए कि इसका अंत थोड़ा अप्रत्याशित है। वरुण धवन ने शायद इसी फिल्म के लिए 6-pack abs बना लिए है, जो शायद दूसरी फिल्म में भी काम आएंगे। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी इस फिल्म में है जो खटकती है। एक तो वरुण और श्रद्धा के बीच वाला रोमांटिक पहलू अविकसित रह गया, जिसकी पूरी संभावना थी। हो सकता है कि निर्देशक ने जानबूझकर ऐसा किया हो ताकि डांस वाला पहलू पीछे ना छूट जाए। अगर इस रोमांटिक पहलू पर अधिक ध्यान दिया जाता तो फिल्म ज्यादा जज्बाती होती। तीसरी ये कि फिल्म के संवाद भी वजनदार नहीं है, इस पर अधिक काम करने की जरूरत थी। फिर भी ये फिल्म युवा वर्ग में लोकप्रिय होगी और डांस केंद्रित फिल्मों में अपनी खास जगह बनाएंगी। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी भी शानदार है और लॉस वेगस के कई दृश्य मन को लुभाने वाले हैं। प्रभुदेवा अपने चेहरे पर भावनाओं की विविधता नहीं ला पाते, लेकिन उनका दक्षिण भारतीय लहजा और डांस धमाका करने वाला है। फिल्म में कई अच्छे मजाकिया दृश्य है। रेमो का अपना एक खास तरह का सेंस ऑफ ह्यूमर है, जो प्रभुदेवा वाले दृश्य में बखूबी उभरता है। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। वरुण धवन और श्रद्धा कपूर की फिल्म ABCD2 देखने से पहले यह जाने फिल्म की कहानी, फिल्म का रिव्यू और जाने कहां देखे इस फिल्म को फ्री में। निर्देशक रेमो डिसूजा, कलाकार प्रभुदेवा, वरुण धवन, श्रद्धा कपूर, लॉरेन गोटली वगैरह नृत्य जो आजकल डांस के नाम से अधिक जाना जाता है पसंद करते हैं और 3D तकनीक के भी मुरीद है, तो ABCD2 आपको एक धमाकेदार फिल्म लगेगी। हिंदी में समकालीन डांस को लेकर कम ही फिल्में बनी है और ABCD कड़ी की पहली फिल्म आने के बाद इस तरह की फिल्मों को लेकर उत्साह बना है। हालांकि इसकी एक और बड़ी वजह टीवी चैनलों पर आने वाले डांस की रियलिटी शो भी है। आकस्मिक नहीं कि ABCD2 की शुरुआत भी एक डांस रियलिटी शो से ही होती है। इस शो में भाग लेने वाली टीम मुंबई स्टनर की वो बाहर का रास्ता दिखाया दिया जाता है। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक विदेशी डांस शो की कोरियोग्राफी चोरी की। इसके बाद तो मुंबई स्टनर के प्रमुख डांसर सुरेश और विनी को गहरा मानसिक आघात लगता है, लेकिन सुरु यानी सुरेश हिम्मत नहीं हारता। आखिर वो क्यों हारे, उसे कपिल शर्मा की कॉमेडी शो के नवजोत सिंह सिंधु से गुरु मंत्र जो मिला है कि उसे अपना विश्वास नहीं खोना है। सो
सिद्धू बाबा की वाणी से प्रेरणा लेकर शुरू और बीनी अपनी इज्जत बचाने के लिए लॉस वेगस में होने वाले डांस शो में भाग लेना चाहते हैं। उन्हें मदद मिलती है विष्णु सर से। ये लॉस वेगस पहुंचते तो है, लेकिन वहां विष्णु सर का अपना एजेंडा है। ये अचानक गायब हो जाते हैं। उसके बाद हादसे में विनी को चोट लग जाती है। ऐसे में क्या सुरु और विनी की टीम अपना सपना पूरा कर पाएगी? समझ लीजिए कि कुछ कुछ चक दी इंडिया वाली स्थिति है। जहां तक डांस और कोरियोग्राफी का सवाल है, ये एक जबरदस्त फिल्म है और 3D तकनीक की वजह से इसमें एक चमत्कार भी आ गया है। इस लिहाज से ये इस कड़ी की पहली फिल्म ABCD से कई गुना आगे की है। ना सिर्फ प्रभुदेवा बल्कि वरुण और श्रद्धा के डांस वाले दृश्य गजब की है। वैसे ये फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित है। मुंबई के नाला सोपारा की फिक्सर्स डांसर कंपनी के लॉस वेगस के डांस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। निर्देशक रेमो डिसूजा ने कहा भी है कि उन्होंने मूल घटना में ज्यादा फेर बदल नहीं किया है। उस डांस ग्रुप के एक प्रमुख सदस्य का नाम भी सुरेश है, जिसका किरदार वरुण धवन ने निभाया है। ABCD 2 एक अलग तरह की प्रेरणादायी फिल्म है। अलग तरह की इसलिए कि इसका अंत थोड़ा अप्रत्याशित है। वरुण धवन ने शायद इसी फिल्म के लिए 6-pack abs बना लिए हैं, जो शायद दूसरी फिल्म में भी काम आएंगे। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी इस फिल्म में है जो खटकती है। एक तो वरुण और श्रद्धा के बीच वाला रोमांटिक पहलू अविकसित रह गया, जिसकी पूरी संभावना थी। हो सकता है कि निर्देशक ने जानबूझकर ऐसा किया हो, ताकि डांस वाला पहलू पीछे ना छूट जाए। अगर इस रोमांटिक पहलू पर अधिक ध्यान दिया जाता तो फिल्म ज्यादा जज्बाती होती। तीसरी ये कि फिल्म के संवाद भी वजनदार नहीं है, इस पर अधिक काम करने की जरूरत थी। फिर भी ये फिल्म युवा वर्ग में लोकप्रिय होगी और डांस केंद्रित फिल्मों में अपनी खास जगह बनाएंगी। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी भी शानदार है और लॉस वेगस के कई दृश्य मन को लुभाने वाले हैं। प्रभुदेवा अपने चेहरे पर भावनाओं की विविधता नहीं ला पाते, लेकिन उनका दक्षिण भारतीय लहजा और डांस धमाका करने वाला है। फिल्म में कई अच्छे मजाकिया दृश्य है। रेमो का अपना एक खास तरह का सेंस ऑफ ह्यूमर है, जो प्रभुदेवा वाले दृश्य में बखूबी उभरता है। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। वरुण धवन और श्रद्धा कपूर की फिल्म ABCD 2 देखने से पहले यह जाने फिल्म की कहानी, फिल्म का रिव्यू और जाने कहां देखें इस फिल्म को फ्री में। निर्देशक रेमो डिसूजा, कलाकार प्रभुदेवा, वरुण धवन, श्रद्धा कपूर, लॉरेन गोटली वगैरह नृत्य जो आजकल डांस के नाम से अधिक जाना जाता है पसंद करते हैं और 3D तकनीक के भी मुरीद है, तो ABCD 2 आपको एक धमाकेदार फिल्म लगेगी। हिंदी में समकालीन डांस को लेकर कम ही फिल्में बनी है और ABCD कड़ी की पहली फिल्म आने के बाद इस तरह की फिल्मों को लेकर उत्साह बना है। हालांकि इसकी एक और बड़ी वजह TV चैनलों पर आने वाले डांस की रियलिटी शो भी है। आकस्मिक नहीं कि ABCD 2 की शुरुआत भी एक डांस रियलिटी शो से ही होती है। इस शो में भाग लेने वाली टीम मुंबई स्टनर की वो बाहर का रास्ता दिखाया दिया जाता है। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक विदेशी डांस शो की कोरियोग्राफी चोरी की। इसके बाद तो मुंबई स्टनर के प्रमुख डांसर सुरेश और विनी को गहरा मानसिक आघात लगता है, लेकिन सुरु यानी सुरेश हिम्मत नहीं हारता। आखिर वो क्यों हारे? उसे कपिल शर्मा के कॉमेडी शो के नवजोत सिंह सिंधु से गुरु मंत्र जो मिला है कि उसे अपना विश्वास नहीं खोना है। सो सिद्धू बाबा की वाणी से प्रेरणा लेकर शुरु और बीनी अपनी इज्जत बचाने के लिए लॉस वेगस में होने वाले डांस शो में भाग लेना चाहते हैं। उन्हें मदद मिलती है विष्णु सर से। ये लॉस वेगस पहुंचते तो है, लेकिन वहां विष्णु सर का अपना एजेंडा है। ये अचानक गायब हो जाते हैं। उसके बाद हादसे में विनी को चोट लग जाती है। ऐसे में क्या सुरु और विनी की टीम अपना सपना पूरा कर पाएगी? समझ लीजिए कि कुछ कुछ चक दी इंडिया वाली स्थिति है। जहां तक डांस और कोरियोग्राफी का सवाल है, ये एक जबरदस्त फिल्म है और 3D तकनीक की वजह से इसमें एक चमत्कार भी आ गया है। इस लिहाज से ये इस कड़ी की पहली फिल्म ABCD से कई गुना आगे की है।
ना सिर्फ प्रभु देवा बल्कि वरुण और श्रद्धा के डांस वाले दृश्य गजब की है। वैसे ये फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित है। मुंबई के नाला सोपारा की फिक्सर्स डांसर कंपनी के लॉस वेगस के डांस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। निर्देशक रेमो डिसूजा ने कहा भी है कि उन्होंने मूल घटना में ज्यादा फेर बदल नहीं किया है। उस डांस ग्रुप के एक प्रमुख सदस्य का नाम भी सुरेश है, जिसका किरदार वरुण धवन ने निभाया है। एबीसीडी 2 एक अलग तरह की प्रेरणादायी फिल्म है। अलग तरह की इसलिए कि इसका अंत थोड़ा अप्रत्याशित है। वरुण धवन ने शायद इसी फिल्म के लिए 6-pack abs बना लिए हैं, जो शायद दूसरी फिल्म में भी काम आएंगे। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी इस फिल्म में है जो खटकती है। एक तो वरुण और श्रद्धा के बीच वाला रोमांटिक पहलू अविकसित रह गया, जिसकी पूरी संभावना थी। हो सकता है कि निर्देशक ने जानबूझकर ऐसा किया हो ताकि डांस वाला पहलू पीछे ना छूट जाए। अगर इस रोमांटिक पहलू पर अधिक ध्यान दिया जाता तो फिल्म ज्यादा जज्बाती होती। तीसरी ये कि फिल्म के संवाद भी वजनदार नहीं है, इस पर अधिक काम करने की जरूरत थी। फिर भी ये फिल्म युवा वर्ग में लोकप्रिय होगी और डांस केंद्रित फिल्मों में अपनी खास जगह बनाएंगी। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी भी शानदार है और लॉस वेगस के कई दृश्य मन को लुभाने वाले हैं। प्रभुदेवा अपने चेहरे पर भावनाओं की विविधता नहीं ला पाते, लेकिन उनका दक्षिण भारतीय लहजा और डांस धमाका करने वाला है। फिल्म में कई अच्छे मजाकिया दृश्य है। रेमो का अपना एक खास तरह का सेंस ऑफ ह्यूमर है, जो प्रभुदेवा वाले दृश्य में बखूबी उभरता है। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है।